गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग सबको। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें और हमें इस क्लास में जीएसटी पढ़ना है बच्चों। तो जीएसटी में हमें चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करनी है आज। चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर नंबर 3 जो है वो चार्ज ऑफ जीएसटी है। निकाल लीजिए आप जीएसटी की चार्जेबिलिटी कैसे कैसे आएगी, ये बता रखा है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों। सबसे पहले जो चार्जेबिलिटी है जीएसटी की, वो दो सेक्शन में लिखी गई है। एक लिखा गया है सेक्शन 9 के अंदर, एक लिखा गया है सेक्शन 10 के अंदर। जीएसटी की जो चार्जेबिलिटी है वो सेक्शन 9 में लिखी गई है और सेक्शन 10 में भी लिखी गई है, ठीक है। तो सेक्शन 9 में सीजीएसटी, सेक्शन 10 में भी सीजीएसटी। देखिए है क्या कि आप जीएसटी दो ही सेक्शन में चार्ज कर सकते हैं, या तो आप अंडर सेक्शन 9 में जीएसटी चार्ज करेंगे या अंडर सेक्शन 10 में जीएसटी चार्ज करेंगे। अगर आप अंडर सेक्शन 9 में जीएसटी चार्ज कर रहे हैं तो आप नॉर्मल चार्ज ले रहे हैं बच्चों आप, और यदि आपने अंडर सेक्शन 10 में जीएसटी चार्ज किया है तो आप कंपोजिशन चार्ज ले रहे हैं। ये कंपोजिशन चार्ज क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर में, पर पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल चार्ज। जीएसटी कब लगता है, किस पे लगता है, तो उसके लिए सेक्शन 9 जो आपका है वो नॉर्मल चार्ज है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये क्या बोलता है सेक्शन, ये कहता है कि सर अगर आपने कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है किसी गुड्स या सर्विसेज का तो उस पर सीजीएसटी चार्ज किया जाएगा। सीजीएसटी का जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो है 20%। अल्कोहल लेकर पर ह्यूमन कंजम्पशन पर सीजीएसटी चार्ज नहीं होगा। फिर सुनिए मैंने क्या बोला, अगर आपने कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई की है तो उस पर सीजीएसटी चार्ज किया जाएगा। मैक्सिमम कितना होगा, 20% सीजीएसटी मैक्सिमम ले सकते हैं, पर अल्कोहल लेकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब शराब पर जीएसटी ही नहीं लगेगा। मतलब जो चार्जिंग सेक्शन है जीएसटी का उसी से शराब को बाहर कर दिया गया, और एक सेक्शन 15 के हिसाब से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा सेक्शन 9(1) लेवी ऑफ जीएसटी सब्जेक्ट टू द सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखते हुए सीजीएसटी लेविड ऑन किस पे लगेगा, सीजीएसटी आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट किसको छोड़ते हुए, सप्लाई ऑफ अल्कोहल लेकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15, रेट डज नॉट एक्सीड कितना है 20%। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 20% से टैक्स लगेगा, मैं ये बोल रहा हूँ मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है सीजीएसटी का, 20% हो सकता है। और जैसा आपको पता है बच्चों जितना सीजीएसटी का होता है उतना ही एसजीएसटी का भी होता है, तो 20+20 कितना हो गया, 40% तक जीएसटी लग सकता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर। पर अभी लग नहीं रहा, लग सकता है, ठीक है ना। अभी जो प्रोडक्ट होते हैं उसके नेचर के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया जाएगा, जितना ज़्यादा जरूरी प्रोडक्ट होगा उस पर उतना ही कम जीएसटी होगा, और जितना ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट होगा उस पर उतना ही ज़्यादा जीएसटी होगा। फिलहाल जो रेट है जीएसटी की वो कौन कौन से हैं, 0% रेट भी है, 1.25% भी है, 1.5 भी है, 2.5 भी है, 6 भी है, 9 भी और 14% भी चल रहा है, ठीक है बच्चों। मैक्सिमम अभी फिलहाल 14% रेट लग रहे हैं, जैसे आप कोई एसी परचेज करते हैं तो उस पर 14% जीएसटी लगेगा, ठीक है। इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब, इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब है जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में आ जाए उसे हम कहेंगे इंट्रास्टेट सप्लाई। देखिए लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों सेम स्टेट में आ जाए या सेम यूनियन टेरिटरी में आ जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई कह देंगे, ठीक है भाई। बोलिए जैसे एग्जांपल देखिए आप, ये राजस्थान और ये भी राजस्थान, आपका सप्लायर कहाँ पर है, राजस्थान में, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, राजस्थान में। अब रेसिपिएंट कहाँ बैठा है, यूपी में, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूपी वाले ने ऑर्डर कहाँ दिया, राजस्थान को दिया कि गुड्स कहाँ पहुँचाना है, राजस्थान पहुँचाना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों क्या है, एक ही स्टेट में है, राजस्थान में। पॉइंट नंबर 2, अगर एक सप्लायर कहाँ पर, राजस्थान में है, और रेसिपिएंट कहाँ पर है, राजस्थान में है,
पर गुड्स कहाँ जा रहा है बच्चों? यूपी जा रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे? और इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी चार्ज होता है, पता ही आपको। और आईजीएसटी का जो मैक्सिमम रेट कितना होगा? 40 क्यों होगा? क्योंकि इसमें सीजीएसटी एचजीएसटी दोनों शामिल हो जाते हैं। बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एल्कोहल लेकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है उसको जीएसटी से बिल्कुल बाहर रखा गया है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप एल्कोहल लेकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब शराब को बनाते हैं तो उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाएगी, और यदि आप शराब को बेचते हैं तो उस पर वैट लगेगा, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। तो शराब को बनाना और शराब को बेचना दोनों पर क्या होगा? जीएसटी चार्ज होगा, वो भी अलग अलग तरीके से। दोनों पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, दोनों पर ही क्या होगा? एक्साइज ड्यूटी या फिर वैट होगा, और दोनों ही क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगी। ये सेक्शन 9(1) था बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 9(2). सेक्शन 9(2) क्या है? गुड्स आउट ऑफ स्कोप ऑफ सीजीएसटी। कौन कौन से गुड्स को सीजीएसटी से बाहर रखा गया है, या कौन कौन से गुड्स को जीएसटी से ही बाहर रखा गया है? तो 5 ऐसे प्रोडक्ट है जिन पर जीएसटी इमीडिएट इफेक्ट से नहीं लगेगा। जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं कर दे तब तक इन 5 प्रोडक्ट पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये कौन से वो 5 प्रोडक्ट है बच्चों? सबसे पहला प्रोडक्ट है इनके अंदर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, दूसरा है हाई स्पीड डीजल, तीसरा है मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, चौथा है नेचुरल गैस, और पांचवा कौन सा है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये जो 5 प्रोडक्ट है उन पे जीएसटी कैसे चार्ज किया जाएगा बच्चों? इमीडिएट इफेक्ट से चार्ज नहीं होगा। जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं कर दे तब तक इन पर जीएसटी नहीं लगेगा, और जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तो इन पर उस दिन से जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा, पर फिलहाल अभी भी जीएसटी काउंसिल ने इसको रिकमेंड नहीं किया। शैल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट एज द मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तो उस दिन के बाद में इस पर क्या लगना स्टार्ट होगा? जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 9(3) की हम बात करते हैं। सेक्शन 9(3) होता है बेटा रिवर्स चार्ज। इसको थोड़ा समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। रिवर्स चार्ज देखिए, नॉर्मली क्या होता है, ये सप्लायर है, इसने क्या किया? अपने गुड्स को सप्लाई किया, रेसिपेंट को, ठीक है। अब रेसिपेंट क्या करता है बच्चों? सप्लायर को क्या करता है? वैल्यू पे करता है, साथ में जीएसटी पे करता है। मान लो वैल्यू है 100 रुपया और जीएसटी है 10 रुपया, तो कितना दिया होगा? 110। अब इस 110 में से 100 रुपये तो सप्लायर अपने पास रख लेता है, बाकी बचा हुआ 10 किसको दे देता है? बोलो ना, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा जीएसटी के नाम का, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मली यही होता है, फॉरवर्ड चार्ज, कि रेसिपिएंट की जेब से पैसा निकलेगा कहाँ जाएगा? सप्लायर की जेब से, और सप्लायर की जेब से कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास। इसे फॉरवर्ड चार्ज कहा जाएगा, ठीक है। देखिए, पैसा तो निकलता हमेशा किसकी जेब से? रेसिपिएंट की जेब से ये, पर पहले किसकी जेब में गया? सप्लायर की जेब में, फिर कहाँ गया? गवर्नमेंट के पास। तो ये बन गया फॉरवर्ड चार्ज। पर बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज हैं नेचर के हिसाब से, गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई देख रेसिपिएंट, तुझे टैक्स देना है और मुझे टैक्स लेना है, तो क्यों रखते हैं इस बीच में सप्लायर को? एक काम कर, डायरेक्ट किसको दे दे? गवर्नमेंट को दे दे। तो ये क्या है बच्चों? इसे कहते हैं हम रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में उल्टा कुछ नहीं होता, अभी भी पैसा किसकी जेब से निकल रहा है? पहले भी किसकी जेब से निकल रहा था? रेसिपिएंट की जेब से। अब रेसिपिएंट की जेब से निकलकर सीधा गवर्नमेंट की पॉकेट में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये रिवर्स चार्ज। अगर यहां जा रहा है तो क्या बन जाएगा? ये फॉरवर्ड चार्ज। आई बात समझ में बच्चों आपको? जल्दी से इस डायग्राम को देख के बताओ कितना समझ में आया। सप्लायर है, रेसिपिएंट है, ये पे करेगा इसको जीएसटी, ये किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। सेम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड चार्ज। ये इसको ना देकर किसको दे दे? डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर दे, क्या बन जाएगा? रिवर्स चार्ज, आरसीएम।
आरसीएम बच्चों, जब भी किसी भी गुड्स या सर्विसेज पर आरसीएम लगेगा तो इसका मतलब टैक्स कौन देगा गवर्नमेंट को, अब रेसिपिएंट ही देगा, सप्लाई नहीं देगा। तो जब रेसिपिएंट टैक्स देगा तो सारी फॉर्मेलिटीज रेसिपिएंट ही पूरी करेगा। सर फॉर्मेलिटीज का मतलब कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाना है, इनवॉइस इशू करना है, ये सारी फॉर्मेलिटीज कौन करेगा, अब रेसिपिएंट ही करेगा। नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टैक्स पेड ऑन द सच सप्लाई आरसीएम ऑल प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट अप्लाई ऑन रेसिपिएंट नोटिफाइड सर्विस गुड्स डिलीवर्ड चार्ज। तो बता रखा है सारी फॉर्मेलिटीज, सारे प्रोविजन किस पे अप्लाई कर दिए जाएंगे, रेसिपिएंट पे अप्लाई कर दिए जाएंगे। बोलिए, चलो अब कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर रहा है गवर्नमेंट ने कि कौन कौन से गुड्स नोटिफाई हमारे किसके अंदर, आरसीएम के अंदर। तो सबसे पहले गुड्स को देखते हैं कौन कौन से गुड्स नोटिफाइड है भाई। पहला है कैश्यू नट्स, जिसको आप काजू कहते हैं हिंदी में, बीड़ी वेपर्स, बीड़ी का जो पत्ता होता है, टबैको लीव्स हो गया आपका, लॉटरी हो गया, सिल्क यार्न हो गया, यूज्ड व्हीकल, ये पूरा है बच्चों यहाँ पर, है ना, या तो यहाँ से काट दीजिए इसको, यहाँ लिख लीजिए आप यूज्ड व्हीकल, ठीक है, जो पुराने व्हीकल्स होते हैं ना उनकी बात हो रही है। सीज्ड गुड्स, जिन गुड्स को गवर्नमेंट सीज कर देती है। कन्फिस्केटेड गुड्स, ये भी एक तरह का सीज ही होता है बच्चों, जब्त कर लेना। वेस्ट, स्क्रैप और रो कॉटन, इन गुड्स पर क्या होता है बच्चों, इन पर आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जो इनका रेसिपिएंट होगा उन्हीं को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। कौन कौन से हैं, कैश्यू नट्स हो गए आपके, वीडी वेपर्स हो गए, टबैको लीव्स है, लॉटरी है, सिल्क यार्न है, यूज्ड व्हीकल है, सीज्ड गुड्स है, कन्फिस्केटेड गुड्स है, वेस्ट है, स्क्रैप है, रो कॉटन है। तो इन सभी गुड्स पर क्या होगा, इन सभी गुड्स पर आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। वैसे तो हमारे सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि ICAI कहता है कि आपको गुड्स का आरसीएम नहीं पढ़ना है, बस आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। फिर भी एक MTP में एक बार इंस्टीट्यूट ने क्या कहता है, क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। जितना हमारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है, जितने भी गुड्स हैं जिस पर आरसीएम में टैक्स लगता है, उनको हमने लिख दिया, तभी मैंने यहाँ साइड में MCQ लिखा हुआ है। बोलिए, अब बात करते हैं सर्विसेज की। कोई भी पीपल जाके नॉर्मल पीपल समिति तो बोलने दे, पहले तो तेरा खत्म कर ले, हो गया। कोई भी का मतलब आप कह रहे हैं कि सर जैसे मान लो मुझे कैश्यू नट्स लेके आने हैं, मैं गया, मैंने कहा भाई दे भाई एक किलो काजू दे दे, तो जो वो एक किलो मुझे काजू देगा तो क्या मैं उसे अपना GST नंबर दे रहा हूँ, क्या उसे बता रहा हूँ कि मैं रजिस्टर्ड हूँ, और दूसरी बात क्या उसको मैं आगे बेचने के लिए ले रहा हूँ, क्या उसे मैं फर्दर सप्लाई करूँगा क्या, नहीं सर। पहली बात है GST नंबर वहीं पर जाते हैं जहाँ पर आप फर्दर सप्लाई करते हैं। हाँ, अगर आपने फर्दर सप्लाई के लिए परचेज किया तो आप एक किलो नहीं लेंगे, एक बोरी कैश्यू नट्स परचेज करेंगे। तो जहां आप फर्दर सप्लाई के लिए लेंगे, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप क्या करेंगे, आरसीएम में टैक्स पे करेंगे। ऑब्वियसली बात है बच्चों, आप खाने के लिए लोगे तो आप तो एंड यूजर तो आप ही हो। बढ़िया, सर्विसेज सारी इसमें कवर की गई है, टोटल सर्विसेज यहाँ कवर कर दी गई है। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, पहले बहुत सारे बच्चे आते थे क्लास में GI 6 में, वो सब कहाँ गए, पार्टी किस चीज की, इतना बड़ा सेलिब्रेट हमें तो बुलाए नहीं। अच्छा, उतना कौन है भाई ऐसा खास बच्चा, क्लास में आता है वो, उसके बाद भी बर्थडे बन रहे हैं उसके, समझता हूं मैं। बहुत बढ़िया भाई, एक महीने आया उसने और उसके बाद में सब बच्चे उसके बर्थडे के लिए जा रहे हैं, मैं जानता ही नहीं मतलब इसका मतलब उसको। चलो भाई,
मतलब उसकी बर्थडे पार्टी। देखिए बर्थडे पार्टी में जितने कम आए उतने बढ़िया रहते हैं, हम आ जाएंगे दे तो बुला के तो देख। सर्विसेज की अगर हम बात करें, प्लीज सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज को पूरे को कवर किया गया है आपके सिलेबस के अंदर, सारी सर्विस कवर की गई है। रिवर्स चार्ट में कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी, एक नोटिफिकेशन नंबर है बच्चों जो आपको याद रखना है, 13/2017 याद रखना है आपको। तो कौन कौन सी सर्विसेज है जिन पर रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले सर्विसेज है बच्चों जीटीए की, जीटीए का फुल फॉर्म होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो लिख सकते हो आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर किसी पर्सन ने जीटीए से कोई सर्विसेज ली है, अब जीटीए से सर क्या सर्विस ली, लिख लिया आप लोगों ने, इधर देखिए बच्चों एक बार। जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ये मिस्टर ए हैं जो अभी जयपुर में हैं। एक पर्सन है मिस्टर बी जो अभी दिल्ली में है। मिस्टर ए को मिस्टर बी को सामान भेजना है, यहां से यहां गुड्स जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये गुड्स किसके थ्रू जाएगा, एक ट्रक के थ्रू जाएगा, और ये ट्रक जीटीए का है, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का है। अब क्या होगा, ट्रक इस गुड्स को यहां से यहां भेजने के लिए क्या चार्ज करेगा बच्चों, फ्रेट चार्ज करेगा। मान लो ये फ्रेट चार्ज की गई है 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 की फ्रेट चार्ज हो रही है। अब मुझे बताइए बच्चों, आपने सर्विसेज ली किसकी, जीटीए की, और जीटीए ने सर्विसेज दी है किसको, मिस्टर बी को। इसका मतलब क्या हो गया कि सर जीटीए आपको सर्विसेज दे रहा है। अब जब जीटीए आपको सर्विसेज दे रहा है तो आप जीटीए को क्या पे करेंगे, आप पे करेंगे 1,00,000 रुपया। इसका मतलब जीटीए बन गया सप्लायर, जो सर्विस देता है वो सप्लायर होता है, और जो सर्विस लेता है वो कौन होता है, रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट कौन है बच्चों, यहां पर या तो मिस्टर ए है या मिस्टर बी है। मतलब सर, मतलब जो भी जीटीए को फ्रेट का पेमेंट करता है वो उसका रेसिपिएंट है, उससे कोई मतलब नहीं है कि ए पेमेंट करे या बी पेमेंट करे। भाई जो मुझे पेमेंट देगा वो मेरा रेसिपिएंट है, ए दे देगा तो ए बन जाएगा रेसिपिएंट, बी देगा तो बी, दोनों में से एक को तो देना पड़ेगा। अब रेसिपिएंट है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जेब से पैसा निकले और कहां पहुंचेगा, जीटीए के पास पहुंचेगा 1,00,000 रुपया है। तो ये सर्विस ही ना, तो अब गवर्नमेंट इस पर जो जीएसटी लगेगा, इस सर्विस पे जो भी जीएसटी लगेगा वो किससे वसूल रही है, गवर्नमेंट कह रही है देख भाई तू ये जीटीए को मत दे देना, क्योंकि जीटीए कम पढ़ा लिखा आदमी है, बदमाश टाइप का आदमी है, क्या पता पेमेंट देना दे। एक काम कर, ये पेमेंट तू क्या करना, डायरेक्ट हमको पे कर देना, जितना भी इस पर टैक्स बनेगा डायरेक्ट क्या करना, हमें ही पे कर देना। तो इसी का मतलब क्या हो गया, जीटीए की जो सर्विसेज है वो किस में आ चुकी हैं, आरसीएम में आ चुकी हैं। पर बहुत सारे ऐसे जीटीए हैं जो बहुत बड़े बड़े जीटीए हैं, जो नंबर ऑफ ट्रक्स में यूज काम करते हैं, तो उन जीटीए ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि सर हमें आप आरसीएम में क्यों रखे बैठे हो, जरूरी थोड़ी है कि हम आरसीएम में रहें, हम चाहते हैं कि हम एफसीएम में आए, लोग हमें फ्रेट का पेमेंट करें, जीएसटी का पेमेंट करें, और हम अपना, क्योंकि जब जीटीए आरसीएम में आ जाता है तो उस केस में जीटीए को आईटीसी नहीं मिलता बेटा, इसलिए जीटीए चाहता है कि मैं भी आईटीसी लेना चाहता हूं, तो क्या करेगा वो ऑप्शन ले सकता है कौन सा, एफसीएम का भी। अब कन्फ्यूजन ये हो गया मार्केट में, अब दो तरह के जीटीए हैं, एक ऐसा जीटीए है जिसकी सर्विस आरसीएम में आती है, और एक ऐसा जीटीए है जिसकी सर्विसेज एफसीएम में आती है, और ये है रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट ने इस जीटीए की सर्विस ली है, रेसिपिएंट ने इस जीटीए की सर्विस ली है, तो क्या करेगा रेसिपिएंट, अपनी जेब से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा, जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को दे देगा। पर रेसिपिएंट ने अगर इस जीटीए की सर्विस ली है तो ये जीएसटी का पेमेंट किसको देगा,
इसी को देगा, और फिर अब जीटी किसको देगा बेटा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब दोनों में फर्क क्या है, पहले वाले केस के अंदर जीटी को आईटीसी नहीं मिलेगा, दूसरे केस में जीटी को आईटीसी मिल जाएगा। आई बात समझ में? फिर से, जीटीए कौन है बच्चों, सप्लायर है, और रेसिपिएंट आपका सेकंड पर्सन है। अब यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, आरसीएम की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा जीटीए बच्चों, जो आरसीएम वाला है, मतलब कौन सा जीटी नहीं है, ये एफसीएम वाला जीटीए इसमें नहीं शामिल होगा। देखो सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू जीटीए, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। द सप्लाई ऑफ सर्विसेज हु इज नॉट पेड द सीजीएसटी कितना है आपका 6%। मतलब सर क्या हो गया, ऐसा जीटीए जो 6% का ऑप्शन नहीं ले रखा, इसका मतलब क्या हो गया, जो जीटीए 6% का ऑप्शन लेगा वो किस में चलेगा, एफसीएम में चलेगा, वो आरसीएम में नहीं चलेगा, क्योंकि एफसीएम वाले जीटीए 6% के हिसाब से टैक्स देते हैं। 6% का मतलब क्या, अभी बात करेंगे इसकी। रेसिपिएंट कौन हो सकता है बच्चों, ये रेसिपिएंट है, कौन कौन है, कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी सोसाइटी हो सकती है जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड कहां पर है लिखो इसमें, जीएसटी में रजिस्टर्ड, अंडर जीएसटी, अंडर जीएसटी। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी कंपनी हो गई आपकी, पार्टनरशिप फर्म, इसका लिखो वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, अंडर पार्टनरशिप एक्ट, क्या नहीं दिख रहा, क्या लिखा, अब दिख रहा है क्या, मतलब मैं यहां रजिस्टर्ड की बात, मैं यहां जीएसटी पर रजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप फर्म आपके रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी है ना, मतलब डीड बनाई आपने नहीं बनाई, नहीं बनाओगे तो भी पार्टनरशिप फर्म तो बनी रहेगी है ना, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। और लास्ट में क्या लिखा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर रेसिपिएंट ये लोग हैं, रेसिपिएंट ये लोग हैं, और सप्लायर कौन है बच्चों, जीटीए है, यहां पर सप्लायर कौन है, यहां लिख लो साइड में, ये ऊपर सप्लायर है, सप्लायर कौन आपका जीटीए है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, ये लोग सारे के सारे किसको टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट को, अंडर आरसीएम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे, अगर जीटी ने कौन सा ऑप्शन नहीं ले रखा है 6% का। ये टीटी क्या है सर, रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, टीटी मतलब क्या हो गया, टैक्सेबल टेरिटरी, देखो आगे इस पे लिखा भी होगा अगले पेज पर, टीटी मतलब क्या है, टैक्सेबल टेरिटरी। रिवर्स चार्ज नॉट अप्लाई, आरसीएम नहीं लगेगा बच्चों, सर्विसेज प्रोवाइड बाय जीटी टू, अगर जीटीए ने सर्विसेज दी है किसको, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, इनको दी है, फॉरवर्ड चार्ज इन पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इन पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। रेसिपिएंट इन केस ऑफ जीटीए, जीटीए केस में रेसिपिएंट कौन होता बच्चों, जो क्या पे करता है, फ्रेट पे करता है, जो भी फ्रेट पे करेगा वो क्या माना जाएगा, जीटीए में रेसिपिएंट मान लिया जाएगा। हु पे और लाइबल टू पे फ्रेट, जो पे कर रहा है या फिर पे फ्रेट पे करने वाला है वो क्या होगा, रेसिपिएंट माना जाएगा। पर्सन लाइबल टू पे अंडर जीटीए, तो पर्सन लाइबल टू पे अंडर जीटीए हो गया आपका, तो ये जीटीए है। आईटीसी नॉट टेकन, इनको आईटीसी नहीं मिलेगा, ऑप्शन क्या लिया इसने, 2.5 और 2.5, ये बेटा वो जीटीए जो आरसीएम वाला जीटीए है, और ये कौन सा है, आईटीसी मिलेगा, इनका रेट कितना हो गया 12%, मतलब 6+6 हो गया, ये वो जीटीए जिसमें क्या आएगा, एफसीएम आएगा। अब देखो कैसे बताया मैंने,
जो भी रेसिपिएंट अगर स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड मतलब इनमें से कोई एक है, ये रेसिपिएंट दिख रहे हैं आपको, ये सब स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, तो क्या होगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा, रेट यहाँ पर कम रहेगा। बट अगर रेसिपिएंट आपका स्पेसिफाइड है और जीटीए ने 6% का ऑप्शन ले रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज होगा। यदि आपका रेसिपिएंट स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो चाहे वो 5% वाला हो, चाहे वो 12% वाला हो, उस पर जीएसटी चार्ज ही नहीं होगा। रुकिए, और क्लैरिटी के लिए थोड़ा एग्जांपल से सीखते हैं इसको। देखो आवाजें बड़ी खतरनाक से आती है। एक जीटी है बच्चों, ये जीटी है, ठीक है। अब जीटीए आरसीएम वाला है बच्चों, आरसीएम वाला, इसका मतलब क्या हो गया, जीटीए ने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है, 2.5% प्लस 2.5%। अब मतलब जो भी जीटीए इसको पेमेंट करेगा, जो भी इसका रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट कौन सा बच्चों, स्पेसिफाइड वाले, स्पेसिफाइड को ना, वो कंपनी, फैक्ट्री, सोसाइटी वगैरह वगैरह। अब जो इसको ये पेमेंट करेंगे, मान लो फ्रेट का जो अमाउंट है, फ्रेट का जो अमाउंट है वो है 1,00,000 रुपए का, तो अब क्या होगा, ये रेसिपिएंट क्या करेंगे, जीटीए को सिर्फ 1,00,000 रुपए का पेमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है, ये किसको, मतलब टैक्स का अमाउंट किसको देंगे, ये गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो इस 1,00,000 पर इनको 2.5% और 2.5%, मतलब कितना हो गया, 2,500 और 2,500 सीजीएसटी और एसजीएसटी का देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर जीटीए कौन सा है बच्चों, आरसीएम वाला है, मतलब कौन सा ऑप्शन ले रखा है, इसको टैक्स नहीं देना। और अब हम आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन का, इसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना भाई, इस जीटीए को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि टैक्स तो देना नहीं है इसको। अब अगर हो जाए इसका उल्टा, उल्टा पुल्टा मतलब, अगर ये ऑप्शन कौन सा ले ले, 6+6% वाला, मतलब कितना हो गया, 12% हो गया, तो पहली बात इस जीटीए को आईटीसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, ये जो पेमेंट आप कर रहे हैं, तो आपको क्या देना पड़ेगा, 6% और 6% जो टैक्स होगा वो जीटीए को ही दोगे आप, 1,12,000 का, और आपके ब्याह पर जीटीए किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। पर यदि रेसिपिएंट आपका स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब वो अनरजिस्टर्ड है, एक नॉर्मल पर्सन है, तो इस केस में क्या होगा, जीटीए का टैक्स ही नहीं लगेगा, आप सिर्फ क्या पे करोगे, फ्रेट पे करोगे किसको, जीटीए को। मतलब ये सर्विस क्या कर दी गई है, एग्जम्प्ट कर दी गई है। बोलिए, बता भाई, बता क्या है, हाँ पहला केस की बात कर रहा है, एक मिनट, अगर सही से खुल गया तो बस इतना है, कोई बात नहीं। ये पहले केस में देखिए बेटा, मैं आईटी से बता दूंगा कैसे कैसे मिलेगा। पहले केस में क्या होगा, ऑप्शन क्या लिया इसने, 2.5% प्लस 2.5%, इसका मतलब आरसीएम में आएगा बेटा ये, ठीक है। तो अब इस केस में जब आरसीएम में आओगे आप, तो पहले आप गवर्नमेंट को पे करोगे कितना कितना, 2,500 आपको। अब गवर्नमेंट फिर आपको क्या दे देगी, इसी रेसिपिएंट को क्या दे देगी, इसका आईटीसी दे देगी। पहले पे करूँगा गवर्नमेंट को और हाथ के मुझे क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। पर यदि आरसीएम ने न आकर एफसीएम में आ जाए, मतलब रेट कितना हो जाए, 6% और 6% हो जाए, तो इस केस में 1,00,000 के साथ आप क्या दोगे, 12,000 टैक्स का भी दोगे, तो अब ये किसको दे देगा, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट क्या दे देगी आपको, आईटीसी।
मतलब रेसिपिएंट को आईटीसी तो मिलना ही है, दोनों ही केस में मिलना है। पहले क्या हो रहा था बच्चों, पहले क्या हो रहा था, आप गवर्नमेंट को पहले पे करो और बाद में गवर्नमेंट आपको आईटीसी दे देगी। यहाँ क्या है, पहले आप किसको पे करो, जीटीए को, जीटीए रिटर्न फाइल करेगा, आप सब कुछ होगा, उसके बाद क्या होगा, इसको आईटीसी हटा दो। उससे पूछो भाई, कोई डाउट तो पूछ बेटा। हाँ बोल। हाँ, अगर जीटीए को आपने, ये जो जीटीए है इसने ऑप्शन ले रखा है 2.5% का और 2.5% का, तो जीटीए को आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर इसने ऑप्शन ले रखा है कौन सा, 6% का और 6% का, तो जीटीए को आईटीसी मिल जाएगा। इसके आईटीसी की थोड़ी बात कर रहे हैं, ये तो रेसिपिएंट है, हम सप्लायर के आईटीसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि तो देखो टैक्स रेट कम है, 2.5% और 2.5% बहुत कम टैक्स ले रहे हैं आपसे, तो आपसे क्या बेनिफिट छीन रहे हैं आपका आईटीसी का, 6% और 6% ज्यादा टैक्स लग रहा है आपको, क्या बेनिफिट मिल रहा है आईटीसी का आपको, मतलब जीटीए को। और कोई डाउट किसी को, बढ़े आगे चलो। दूसरी सर्विस है हमारी बेटा इसमें, लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, एडवोकेट की सर्विसेज। अगर आपने कोई एडवोकेट से कोई सर्विसेज ली है, कोई भी सर्विसेज आपने एडवोकेट से ली है, तो उस केस में क्या होगा, सप्लायर को ना बच्चों यहाँ पर या तो कोई एडवोकेट है या कोई क्या है, सीनियर एडवोकेट है या फॉर्म ऑफ एडवोकेट है, इन्होंने लीगल सर्विसेज किसको दी है, रेसिपिएंट को दी है, ठीक है। लीगल सर्विसेज किसको दिया है बच्चों, आपने रेसिपिएंट को दिया है। और रेसिपिएंट कौन है बच्चों, आपका बिजनेस एंटिटी जो पे करेगा टैक्स अंडर आरसीएम। तो अब इस केस में क्या है, इस केस में आरसीएम के अंदर इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अगर आपके ये जो एडवोकेट साहब हैं, इन्होंने सर्विसेज किसको दी, अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो ये सारी सर्विस क्या हो जाएगी आपकी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। आई बात समझ में, एक एडवोकेट ने सर्विसेज दिए किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस एंटिटी को आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, एडवोकेट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सीधा किसको दे दो, गवर्नमेंट को। पर यदि एक एडवोकेट ने लीगल सर्विस दी है रेसिपिएंट, जो अदर देन क्या है बच्चों, बिजनेस एंटिटी, तो उस केस में जीएसटी ही नहीं आएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और लीगल सर्विसेज में क्या क्या आता है, एडवाइज, कंसल्टेंसी, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, ये सब आता है, ठीक है। इसके बाद में आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का मतलब क्या हो गया, कि जब दो लोगों का डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ पहुँचते हैं, कोर्ट में पहुँचते हैं। कोर्ट में जाने से पहले इनके पास एक रास्ता होता है बच्चों, वो कहाँ जा सकते हैं, वो एक ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जहाँ पर क्या करेंगे, अपने उस झगड़े को सुलटा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो वो पर्सन क्या करता है, इनसे पेमेंट चार्ज करता है, उसको नाम दिया गया आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। अगर आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जो आपका है, सप्लायर और ये क्या है, रेसिपिएंट, सप्लायर ने किसको सर्विसेज दी है, रेसिपिएंट को दी है, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल आपका सप्लायर, और रेसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी है, तो उस केस में टैक्स कैसे पे किया जाएगा, आरसीएम में टैक्स पे किया जाएगा। अगर आपका रेसिपिएंट अदर देन बिजनेस एंटिटी होगा, अगर कोई अदर पर्सन होगा अदर देन बिजनेस एंटिटी है, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल मतलब एक प्राइवेट ट्रिब्यूनल है, जो कॉन्स्टिट्यूट बाय द पार्टीज इन डिस्प्यूट, तो जो भी पार्टीज में डिस्प्यूट है उसको दूर करने के लिए जो बनता है वो है आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। अगली सर्विसेज आपकी कौन सी, स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या हो गया, कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। देखिए जैसे सप्लायर है बच्चों, एनी पर्सन, जैसे विराट कोहली है सप्लायर, विराट कोहली के बल्ले पे आप देखते हैं एमआरएफ लिखा मिला होता है, तो रेसिपिएंट कौन है बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, जैसे एमआरएफ है, तो
तो अब MRF विराट कोहली को क्या करता है, पेमेंट करता है स्पॉन्सरशिप के लिए। तो अब MRF को क्या करना पड़ेगा, RC में टैक्स देना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में जो भी आपका सप्लायर सॉरी रेसिपिएंट होता है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, इन्हीं को क्या करना पड़ेगा, RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज सप्लायर और इधर कौन है, रेसिपिएंट। अगर सप्लायर आपकी गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, और रेसिपिएंट कौन है बेटा, बिजनेस एंटिटी, तो इस केस में क्या होगा, लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी ने गवर्नमेंट से सर्विसेज ली है तो गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में क्या करना पड़ेगा, उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपको क्या नहीं करना, गवर्नमेंट को नहीं देना, सीधा कहाँ को देंगे आप, गवर्नमेंट को ही पे करोगे। सर पहली बात तो हमें ये समझ में नहीं आ रही, गवर्नमेंट की सर्विसेज पर कैसे GST लग रहा है। नॉर्मली बेटा गवर्नमेंट की सर्विसेज पर GST नहीं लगता, फिर भी अगर बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही है, तो उस केस में RCM में टैक्स लगेगा। पर किसको छोड़ते हुए, एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज और अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड टेरिटरी। कि अगर गवर्नमेंट ने या तो रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी किया, गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है बच्चों, उसको रेंट पर दिया है, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसने स्पीड पोस्ट की सर्विस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज, एजेंसी सर्विसेज और अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के दिया है, तो उस केस में क्या है बच्चों, या फिर सर्विस इन रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट और वेसल, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, अगर इनकी सर्विस दे रहे हो आप तो इसमें क्या आएगा, FCM आएगा। इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टेरिटरी, लाइबल टू पे टैक्स। देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है पर समझ में आएगा। यह है गवर्नमेंट बच्चों जो सप्लायर है, और ये रेसिपिएंट है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर रेसिपिएंट को सर्विस देती है, और रेसिपिएंट कौन है बच्चों, बिजनेस एंटिटी है, तो रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, RCM में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। पर गवर्नमेंट की एक सर्विस कौन सी, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, मतलब सर गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी इमोल प्रॉपर्टीज हैं, कोई गोडाउन है गवर्नमेंट के पास, या फिर गवर्नमेंट के पास कोई जगह पड़ी हुई है जिसको गवर्नमेंट क्या करती है, रेंट पर देती है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की हम बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये भी तो गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है बच्चों, उसमें स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, इंश्योरेंस सर्विस इनकी बात हो रही है, या फिर क्या बोला कि सर कोई भी एयरक्राफ्ट, आजकल तो एयरक्राफ्ट तो बचा ही नहीं गवर्नमेंट का, फिर भी कोई एयरक्राफ्ट की सर्विस है या कोई वेसल की सर्विस है जो गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट या वेसल है, या फिर क्या बताया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर इनकी सर्विसेज गुड्स या पैसेंजर इनकी सर्विसेज दी है तो इसमें हमेशा क्या होगा, FCM आएगा, इसमें RCM नहीं आ सकता। मतलब इन सर्विसेज पर हमेशा क्या आएगा, FCM। पर मैंने क्या किया, मैंने ये जो एरो है वो यहां तक लगाया है, इस पहले वाले को छोड़ दिया, क्योंकि इसके लिए एंट्री 5A अलग से बनी हुई है, तो इसको अलग से देखेंगे हम। इनके अलावा ये जो बचा हुआ है, ये तो 2, 3 और 4, इन पर हमेशा क्या होगा, FCM में टैक्स होगा, RCM में नहीं आएगा। इनके अलावा कोई सर्विस गवर्नमेंट ने किसको दी है, रेसिपिएंट को दी, और रेसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी, तो फिर क्या आएगा बच्चों, RCM आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको थ्योरी में बताऊं तो कम से कम 2 पेज भर जाएंगे, सब तब भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इन एरो को ध्यान से देखिए कहां से कहां चल रहा है। कि सर अगर हम इनकी बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, सर्विस रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट वेसल, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, तो इस केस में क्या होगा, FCM होगा, फिर RCM नहीं आएगा। इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लायबल टू पे टैक्स, क्योंकि FCM के अंदर कौन टैक्स किसको देगा,
टैक्स मिलेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलेगा, और ये क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट को। बट अगर हम बात करें इनके अलावा, तो आरसीएम में टैक्स लगेगा अगर सामने वाला क्या है, बिजनेस एंटिटी है। और रेंटिंग ऑफ इमुल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो 5A में क्या लिखा है, रेंटिंग ऑफ इमुल प्रॉपर्टी। तो रेंटिंग क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टेरिटरी को, तो सप्लायर कौन है? फिर से गवर्नमेंट है, रेंटिंग इमुल प्रॉपर्टी। अगर रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम आएगा, पर रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो क्या आ जाएगा? फिर एफसीएम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक मेला लगवाना था, एक गवर्नमेंट की एक जगह पड़ी है बच्चों खाली अपने जयपुर के अंदर, बहुत बड़ी जगह थी ये, गवर्नमेंट की जगह है ठीक है। मुझे इस पर एक मेला लगाना था, मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने कहा सर मुझे 15 दिन के लिए ये जगह किराए पर दे दीजिए। गवर्नमेंट ने बोला पवन जी हम आपसे 15 लाख रुपए लेंगे और ये जगह आप पर मेला लगा सकते हैं। अब मैं ये जो 15 लाख रुपए पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को ठीक है, तो इमुल प्रॉपर्टी है। अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी के अंदर, तो अब इस केस में क्या होगा, रजिस्टर्ड हूँ तो इस केस में आरसीएम में मैं टैक्स पे करूँगा, गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं तो गवर्नमेंट को कितना दूंगा, सिर्फ 15 लाख, और इसका जो टैक्स बनता है आरसीएम में गवर्नमेंट को जमा करवा दूंगा। पर यदि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो उस केस में क्या होगा, मुझे एफसीएम में मतलब इस 15 लाख में क्या जोड़ना पड़ेगा, जीएसटी जोड़कर किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आए क्या बात? इसके बाद आसान आसान सी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं यहाँ पर, बहुत ही इजी से पॉइंट है बच्चों। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, कि एक प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए जो भी फ्लोर स्पेस इंडेक्स है आपका, या फिर जो भी आपके डेवलपमेंट राइट को आपने ट्रांसफर किए हैं। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए बच्चों एक बिल्डिंग बन रही है, अभी आपके सामने अपने इंस्टीट्यूट के बाहर एक बड़ी सारी बिल्डिंग बनी हुई है, देखी होगी आपने। क्या इस बिल्डिंग को एक ही व्यक्ति बना देता है? पर इसका बिल्डर तो एक ही होता है, बिल्डर का नाम है एबीसी बिल्डर। एबीसी बिल्डर क्या करेगा, ये बिल्डिंग बनाएगा जिसके अंदर 50 फ्लोर बने हैं, 20 फ्लोर बने हुए हैं, और इसमें 100 फ्लैट बनेंगे ठीक है। अब एबीसी बिल्डर क्या करता है, अलग अलग लोगों को सब कॉन्ट्रैक्टिंग करता है। एक को बोलता है कि तुझे क्या करना है कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करना है, एक को बोलता है तुझे इस बिल्डिंग का सारा सिनेट्री का काम करना है, एक को बोला तुझे बिजली फिटिंग करनी है, एक को बोला तुझे इंटीरियर करना है, एक को बोला तुझे फर्नीचर बनाना है। अलग अलग लोगों को क्या दे दिया, आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये सभी लोग जो क्या करेंगे, इस बिल्डिंग को डेवलप करेंगे, अलग अलग एंगल पे आके इसको डेवलप करेंगे। तो इसे नाम दिया गया है फ्लोर स्पेस इंडेक्स या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। इस केस में क्या होगा, ये बिल्डर क्या करेगा, इन सबको पेमेंट करेगा इस डेवलपमेंट के बदले में। बिल्डर तो पेमेंट करेगा इनको, तो जो पेमेंट करता वो कौन बन गया, रेसिपिएंट बन गया। तो यहां पर रेसिपिएंट कौन है बच्चों, बिल्डर है। तो बिल्डर को ही क्या करना पड़ेगा, आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो प्रमोटर मतलब बिल्डर, सप्लायर एनी पर्सन, रेसिपिएंट जो है प्रमोटर है, लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर टू कंपनी। अगर एक डायरेक्टर ने अपनी कंपनी को कोई पेमेंट दिया है क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विसेज दी है, तो मुझे बताओ बेटा कंपनी डायरेक्टर को सिटिंग फीस पे कर रही है, तो सप्लायर कौन हो गया, डायरेक्टर हो गया, क्योंकि जिसको पेमेंट मिलता है वो सप्लायर होता है। रेसिपिएंट कौन हुआ है, कंपनी हुई।
तो कंपनी को आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। पर हाँ, अगर ये सीटिंग फीस या कमीशन जो दिया है कंपनी ने किसको, डायरेक्टर को, अगर डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है, इसका मतलब एज ए एम्प्लॉय वो कंपनी में काम करता है, तो उस केस में क्या है, ये नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाएगा। और जब नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाएगा तो अब ये क्या है बच्चों, टैक्स ही नहीं लगेगा। पर अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर या अदर केस है तो उस केस में क्या होगा, इस एंट्री में कवर होगा। और इस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट आरसीएम में करना पड़ेगा। बताइए आगे। ठीक है, बातें मत करो भाई। अगला है इंश्योरेंस सर्विसेज का, कि इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वो अपने इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस लाके देता है। तो जो भी आपका इंश्योरेंस एजेंट होगा वो कंपनी को बिजनेस लाके देगा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस एजेंट को पे करेगी क्या, आरसीएम में टैक्स पे करेगी। तो जो भी कमीशन दिया इंश्योरेंस कंपनी ने किसको, इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी कमीशन दिया है किसको, एजेंट को, तो उस एजेंट पर, उस कमीशन पर कंपनी क्या पे करेगी, आरसीएम में टैक्स पे कर देगी। पर आजकल तो वो चल रहा है बच्चों policybazaar.com टाइप, ये भी तो एक तरह का कमीशन एजेंट ही तो है। तो उनका जो होगा, अगर सेलिंग किया है आपने पॉलिसी थ्रू द ईसीओ के थ्रू आप पॉलिसी सेल करवा रहे हैं, तो उस केस में क्या है बच्चों, इस पर 9.5 मतलब इस पर आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, इस पर ईसीओ का 9.5 जो चार्ज है वो अप्लाई हो जाएगा। तो टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर 9.5। ये 9.5 क्या है, हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम 9.3 पढ़ रहे हैं, अभी हम 9.3 पढ़ रहे हैं। 9.1 क्या था, कि जो भी आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है उस पर CGST चार्ज किया जाएगा, शराब को छोड़ते हुए रेट क्या रहेगा, मैक्सिमम 20%। 9.2 क्या था, कि 5 ऐसे प्रोडक्ट है जिन पर इमीडिएट इफेक्ट से GST नहीं लगेगा। 9.3 पढ़ रहे हम RCM का केस, रिकवरी एजेंट सर्विसेज। जब किसी भी बैंक के पैसे डूब जाते हैं तो वो रिकवरी एजेंट के थ्रू अपने पैसे को क्या करते हैं, रिकवर करवाते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट की सर्विसेज है, सप्लायर कौन है बेटा, रिकवरी एजेंट है, रेसिपिएंट कौन है, बैंकिंग कंपनी NBFC वगैरह, तो बैंकिंग कंपनी NBFC क्या करेगी बच्चों, आरसीएम में टैक्स पे करेगी। नेक्स्ट, कॉपीराइट या डेवलपमेंट राइट सर्विसेज। अगर कोई कॉपीराइट की सर्विस है या डेवलपमेंट राइट की सर्विसेज है, तो सप्लायर कौन है यहाँ पर, देखो ऑथर को काट दिया गया है और इसको एक नया ऐड किया गया है, न्यू एंट्री 9A, जो अगले पेजेस पे देखेंगे हम। तो ऑथर को छोड़कर म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या कोई आर्टिस्ट है वो कौन है, सप्लायर है। जैसे मान लो आपने कोई फ़ोटो खींच लिया, या कोई आपने गाना गा दिया, या फिर आपने कोई फोटोग्राफ या आर्टिस्ट हो आप। रेसिपिएंट कौन है बच्चों, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर या एक्सेट्रा जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो टैक्स पे कौन करेगा आरसीएम में, ये लोग पे करेंगे। आई क्या बात समझ में आपको। तो अगर इस केस की बात करें तो ये जो भी बड़े लोग हैं, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर हो गया, जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, इनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सर्विस टू RBI, सप्लायर अगर आपका मेंबर ऑफ ओवरसीन कमेटी है और रेसिपिएंट कौन है बच्चों, आपका RBI है, तो टैक्स पे करना पड़ेगा आपको अंडर RCM। ठीक है, RBI को ही टैक्स पे करना पड़ेगा RCM के अंदर।
इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इसे हम बोलते हैं DSA। होता क्या है, जो बैंक होता है, बैंक बहुत सारे लोगों के थ्रू अपना बिजनेस करता है। जैसे आप कभी पेट्रोल पंप में जाते हैं या फिर कोई मॉल वगैरह में जाते हैं तो लोग बोलते हैं भैया क्रेडिट कार्ड बनवा लो, तो क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये लोग क्या कोई बैंक के एम्प्लॉई हैं क्या? नहीं सर, ये बैंक के एम्प्लॉई नहीं है, इनमें से कोई बैंक का एम्प्लॉई नहीं है। एक मिनट रुकना। हेलो, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट DSA जो आपका है, सप्लायर आपका DSA है इंडिविजुअल, और रेसिपिएंट कौन है बच्चों आपका? बैंकिंग कंपनी, NBFC, पे टैक्स अंडर RCM। तो उस केस में क्या होगा कि जो बैंकिंग कंपनी है ऐसे लोगों से बिजनेस लेती है तो बैंकिंग कंपनी को क्या करना पड़ेगा? RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। बिजनेस फैसिलिटर, बिजनेस फैसिलिटर का मतलब क्या हो गया? जो बिजनेस की फैसिलिटी देता है बैंकिंग कंपनीज को, बिजनेस के लिए जो फैसिलिटी देगा। मैं बता दूं आपको बेटा, ये जो पॉइंट नंबर आपका 11 और पॉइंट नंबर 12 है ये एक ही है, बस नाम अलग अलग है। यहाँ नाम क्या दे दिया हमने? DSA दे दिया। यहाँ क्या बोल दिया? बिजनेस फैसिलिटर। बाकी कहानी आपकी सेम ही है। टैक्स किसको देना पड़ेगा? बैंकिंग कंपनी को ही देना पड़ेगा। अब ये बिजनेस फैसिलिटर कौन सी सर्विसेज देते हैं? फॉलो अप रिकवरी प्रोसेस की सर्विस देते हैं बच्चों, पोस्ट सेंशन मॉनिटरिंग ऑफ लोन, लोन मॉनिटरिंग होने के बाद में चेक करते हैं कि इस बंदा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्रिएटिंग द अवेयरनेस ऑफ द बैंकिंग प्रोडक्ट, बताते हैं भाई ये काम मत करो, कोई OTP आपके पास आए तो मत बताओ किसी को, अदरवाइज बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा आपका, कलेक्शन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर ये सब इसमें आएगा। एक होता है जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं? अपने एजेंट के थ्रू सर्विस लेते हैं। तो अगर कोई एजेंट के थ्रू बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ने सर्विस ली है तो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट क्या करेगा? RCM में टैक्स पे करेगा। आई बात समझ में? सर अगर मान लो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ने सर्विस दी है किसको? बैंक को, तो टैक्स कौन पे करेगा? बैंक पे कर देगा। और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ने सर्विस किससे ली है? एजेंट से सर्विस ली है, तो टैक्स अब कौन पे करेगा? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट पे करेगा। कुल मिला के इनमें से जो बड़ा होता है वही टैक्स पे करता है। बिजनेस कोरेस्पोंडेंट और बैंक में बड़ा कौन है? बैंक है, तो बैंक पे कर देगा। एजेंट और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, तो कौन पे कर देगा? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। सिक्योरिटी सर्विसेज, ये थोड़ा सा माथापच्ची वाली है तो ध्यान से सुनना बच्चों, सिक्योरिटी सर्विसेज पर कैसे टैक्स पे किया जाएगा? सप्लायर जो आपका है, जो सप्लायर है और ये आपका रेसिपिएंट है, ये इसको क्या दे रहा है बच्चों? सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर कि सर अगर आपका सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर का मतलब क्या हो गया? जो सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है। हम बहुत बार ATM मशीन में पैसा निकालने जाते हैं तो वहां पर एक गार्ड खड़ा होता है, क्या वो उस पर्टिकुलर बैंक का एम्प्लॉई है क्या? नहीं सर, वो सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू वहां खड़ा होता है। तो बैंक ने क्या किया है बच्चों? उस सिक्योरिटी एजेंसी से गार्ड की सर्विसेज ली है। बैंक ने बोला कि हमारे जयपुर के अंदर टोटल 200 ATM लगे हुए हैं, तो आप हमें 200 गार्ड दे दीजिए ताकि हमारे ATM सुरक्षित रहे। तो वो सिक्योरिटी एजेंसी वाला क्या करता है? उन 200 ATM पर गार्ड अपॉइंट करवा देता है। आई क्या बात समझ में? तो क्या बोला गया कि अगर मान लीजिए वो सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कंपनी नहीं है, फर्म है, इंडिविजुअल वगैरह है, और रेसिपिएंट जो आपका है वो कौन है बच्चों? रजिस्टर्ड है। तो उस केस में RCM में क्या करना पड़ेगा? रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। पर यदि ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में क्या लग जाएगा? FCM लग जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो उस केस में FCM लग जाएगा। और अगर ये गवर्नमेंट है सिक्योरिटी सर्विस देने वाला,
तो उस केस में क्या बच्चों, या कंपोजिट डीलर है तो ये सर्विस क्या रहेगी आपकी, एग्जेम्प्ट रहेगी, इस पर किसी प्रकार की जीएसटी ही चार्ज नहीं होगी। पर अगर ये सारी सर्विसेज सप्लायर अगर ये सर्विस किसको दे रहा है बच्चों, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, तो इस पर कभी भी जीएसटी आएगा ही नहीं। अगर रेसिपिएंट आपका अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी ही नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक व्यक्ति को लगता है कि कोई उसे मारने वाला है, तो वो सिक्योरिटी सर्विसेज लेने के लिए कहाँ जाता है, एक सिक्योरिटी एजेंसी के पास जाता है, कहता है मुझे 5 हट्टे कट्टे गार्ड दे दे जो मेरे घर के बाहर खड़े रहे पूरे के पूरे दिन, हो सकता है मुझे कोई मार दे। तो अब वो जो व्यक्ति है जो 5 गार्ड लेके आया है, वो खुद रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर। तो अब इस केस में जो पेमेंट करेगा उन 5 गार्ड के बदले में सिक्योरिटी एजेंसी को, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सन जो गार्ड लेके बैठा है वो खुद रजिस्टर्ड नहीं है। कंपोजिशन स्कीम जिसने ले रखी हो, कंपोजिट डीलर का मतलब होता है जो क्या होता है, जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करके बैठा हो। अब ये कंपोजिशन स्कीम क्या होती है सर, ये अंडर सेक्शन 10 में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके अपन। करें स्टार्ट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हो गया कि सर ऐसे व्यक्ति जो बैंक को बिजनेस ला कर देंगे, उसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं अपन, लोन वगैरह का एप्लीकेशंस वगैरह वो सब। एक सेकेंड रुकना। प्लीज बहुत टाइम है बच्चों, बहुत टाइम है अभी, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि वो ऊपर वाले के साथ ही करवा दूँ पूरा। जो नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है उसके साथ ही कोर्स पूरा करवा दूँ। चलो हो गया, ये बढ़े आगे। देखो इस हफ्ते के एंड तक आपका काफी सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। हाँ वो करवाऊंगा बेटा दोबारा, मतलब मैं आपको उसको समझा के, तो वो डिटेल में नहीं बता रखा है, पढ़ेंगे जरूर उसको अपन। देखिए
अगला है कॉपीराइट या डेवलपमेंट राइट सर्विसेज, जिसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि जो ऑथर वाली सर्विसेज है वो कहाँ कवर कर लिए, अलग से एक एंट्री बना दी 9A के नाम से, कि जो भी आपका ऑथर होता है, जो किताबें लिखता है बच्चों, जिसको हम ऑथर बोलते हैं, ये जो आपका ऑथर होगा अगर वो किताब लिखता है तो पब्लिशर उसको पेमेंट करेगा। जैसे मान लो एक ऑथर है, जैसे चेतन भगत का नाम सुना होगा आपने, उसने किताब लिखी, तो वो किताब क्या होगा, किसी दूसरे को मतलब पब्लिशर को देगा प्रिंट करने के लिए, और वो प्रिंट होगा। जैसे वो प्रिंट होगा तो पब्लिशर क्या करेगा, चेतन भगत को पेमेंट करेगा, क्योंकि पब्लिशर बेचेगा उस किताब को। अब तो अब नॉर्मली क्या है कि बोला गया कि देख भाई ऑथर, अब तेरी मर्जी है, अगर तू तो कुछ नहीं बोले तो पब्लिशर को आरसीए में टैक्स देना पड़ जाएगा, पर अगर ऑथर चाहे तो इसे एफसीए में ला सकता है। ऑथर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा जीएसटी के अंदर, और ऑथर कहेगा, एक डिक्लेरेशन साइल करेगा और पब्लिशर को बोलेगा कि देख भाई पब्लिशर, अभी तो अमाउंट है वो किस में आएगा, अब आरसीए में आप मुझे ही टैक्स पे करना, आरसीए में नहीं आएगा, मतलब एफसीए में मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ, तो ये अमाउंट हो जाएगा अगर डिक्लेरेशन साइल कर दे तो क्या लिखा है यहाँ पर, ऑथर पब्लिशर नॉर्मली क्या होता है आरसीए में लगता है, बट इफ ऑथर रजिस्टर्ड हो जाए और फाइल करे डिक्लेरेशन ऑप्शन टू पे अंडर आरसीएम, तो अब टैक्स कैसे पे होगा, आरसीएम में टैक्स पे हो जाएगा। ऑथर मेक ए डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इश्यूड बाय हिम, नॉट विदड्रॉल सेट ऑप्शन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक बार आपने जो ऑप्शन दे दिया है वो पूरे 1 साल तक उसे विदड्रॉल आप नहीं करेंगे। किसको, अपना ITC क्लेम करना होता होगा ऑथर को, ठीक है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल को अगर आपने रेंट पर दिया है, आपके पास कोई मोटर व्हीकल है आपने उसको रेंट पर दिया है, तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है आप और आप पे कर रहे हैं 2.5+2.5 रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विद ITC ओनली द इनपुट सर्विसेज, तो बॉडी कॉर्पोरेट को आपने रेंट पर दिया है तो उस पर क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम के हिसाब से, आरसीएम आपको देना होगा। सोचिए बच्चों, मैं कंपनी से टाई अप करता हूँ तो कंपनी के एम्प्लॉय को लाने ले जाने के लिए अपनी बस ने वालों, मेरी बस आप रख लो, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, इसके बदले में जो मुझे रेंट मिलेगा, क्योंकि कंपनी क्या है बच्चों, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसमें क्या होगा, आरसीए में कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, बसरते मैंने क्या पे करना है 2.5, और 2.5 क्या लूंगा मैं, ITC मुझे सिर्फ इनपुट सर्विसेज का मिलेगा और 2.5% के हिसाब से GST चार्ज किया जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ सकते हो। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी नहीं है तो आप क्या करते हैं, अपने किसी दूसरे डीमैट अकाउंट से, किसी दूसरे पर्सन से वो सिक्योरिटी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस के शेयर नहीं है, तो या तो मैं रिलायंस के शेयर मार्केट से परचेज करूँ, या मैं एक बार आपसे ले लूँ और वापिस दे दूंगा मैं, कि मैंने कहा भाई एक काम करो मुझे 5,000 रिलायंस के शेयर दे दो एक बार आप, आपने कहा फिर सर वापस कब लौटाओगे, मैंने कहा लौटा दूंगा 5 दिन बाद में, तो अब मैं आपको आपके 5,000 शेयर वापस लौटा रहा हूँ रिलायंस के, बदले में आपने मुझसे कुछ कमीशन चार्ज किया है, तो ये जो कमीशन चार्ज किया है इस पर क्या होगा, आरसीएम के अंदर टैक्स चार्ज किया जाएगा। सप्लायर कौन है बच्चों, लैंडर है, रेसिपिएंट कौन है, बोरोवर है, तो जो बोरोवर लैंडिंग फीस पे करेगा उस पर क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम में। यहाँ मैंने एग्जाम्पल बता रखा है कि होता क्या है, लैंडर ऑफ सिक्योरिटी लैंड टू ए बोरोवर थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी टू द बोरोवर अंडर द एग्रीमेंट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड विद द कंडीशन दैट द बोरोवर विल रिटर्न द इक्विवेलेंट सिक्योरिटी ऑफ द सेम टाइप और क्लास एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड अलोंग विद द कॉर्पोरेट बेनिफिट अकोरिंग ऑन द सिक्योरिटी बोरोवर। तो अगर एक बोरोवर ने क्या किया बच्चों, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए आपसे सिक्योरिटी बोरो की है और बाद में वो सिक्योरिटी आपको वापस दे रहा है अलोंग विद क्या, लैंडिंग फीस, जो भी बोरोइंग फीस होगी, तो इस लैंडिंग फीस पर क्या होगा, बोरोवर को आरसीए में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सारी कहानी आप सीए फाइनल पढ़ोगे, कैसे लैंडिंग होता है, कैसे फीस पे होता है, तो यहाँ पर भी इतना याद रखना बच्चों,
कि जो बोरोवर है उसको आरसी में टैक्स देना पड़ेगा। बस तो ये था 9.3 की सिक्योरिटी सर्विस सॉरी पॉइंट्स जो हमने कवर किए। इसके बाद में आएगा बच्चों आपका 9.4। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं, 9.3 तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। सबसे पहला क्या था, सब सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, कि अगर आपने इंटरेस्ट इट सप्लाई की है गुड्स और सर्विसेज की तो उस पर CGST चार्ज किया जाएगा। मैक्सिमम रेट कितना होगा उसका, 20% का। वैल्यू आप अंडर सेक्शन 15 में निकालोगे और इस पर एल्कोहल पर क्या नहीं होगा, टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। 9.2 कहता है कि 5 ऐसे प्रोडक्ट है जिस पर इमीडिएट इफेक्ट से GST नहीं लगेगा। पहला बेटा आपका कौन सा, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बन फ्यूल जो प्लेन वगैरह में डलता है। और तीसरा हमने पढ़ा कि सर RCM के अंदर सर्विसेज, आपको RCM में टैक्स देना पड़ेगा, गुड्स और सर्विसेज का दोनों का RCM है। तो गुड्स के लिए कुछ पॉइंट्स जो हमने पढ़ लिए, सर्विसेज हमारी पूरी यहाँ पर कंप्लीट होगी कि इनको RCM में टैक्स देना पड़ता है। बोलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 9.4, ये इंपॉर्टेंट है, पहले आप समझिए इसको। बात ये भी RCM की करता है, ये कहता है कि सर एक सप्लायर है जिसने रेसिपिएंट को गुड्स दिया है, तो रेसिपिएंट नॉर्मली क्या करता है, सप्लायर को GST का पेमेंट करता है और ये किसको दे देता है, गवर्नमेंट को पे कर देता है। पर सोचिए अगर सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है तो ये क्या नहीं चार्ज करता, इससे GST नहीं ले सकता, तो इस पर GST नहीं लगेगा और GST नहीं लगेगा तो गवर्नमेंट के पास भी GST नहीं पहुंचेगा। तो गवर्नमेंट ने देखा सर ऐसे तो हमें नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे सप्लायर जो अनरजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट ने बोला देख भाई रेसिपिएंट, हम कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को हम नोटिफाई कर रहे हैं और उसके ब्याह पर क्या करना पड़ेगा, अगर तूने वो गुड्स या सर्विसेज लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो अब तुझे क्या करना पड़ेगा, RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर समझिए बच्चों, नॉर्मली कोई गुड्स है ए, एक गुड्स है बच्चों ए, ठीक है, ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है, ये गुड्स ए इसको सेल करता है, सप्लायर आपका रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्या करेगा, इसको टैक्स दे देगा GST का और GST किसके पास पहुंच जाएगी, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। पर मान लो ये जो मिस्टर एस है, मतलब सप्लायर, ये क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो उसका मतलब ये क्या नहीं करेगा, इसको टैक्स नहीं देगा तो गवर्नमेंट के पास ये टैक्स नहीं पहुंचेगा। और ए क्या है आपका, नोटिफाइड गुड्स है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, देख भाई रेसिपिएंट, क्योंकि तू टैक्स तो इसको नहीं देगा पर तू एक काम करना, तू ही क्या कर देना, टैक्स पे कर देना RCM के अंदर। सर इससे पहले यही तो पढ़ रहे थे 9.3 में, नहीं बेटा 9.3 में ये नहीं था, 9.3 में सर्विसेज को नोटिफाई कर रखा है जिस केस में हमेशा RCM लगेगा, चाहे सामने वाला रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। 9.4 में क्या फर्क है कि अगर आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फिर इस गुड्स और सर्विसेज पर क्या होगा, सप्लायर क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। एक मिनट, लाइट चली गई यहां पर, कैमरा भी बंद हो गया, कैमरा दिख रहा है क्या, आई के बाद समझ में आपको, RCM कब आएगा समझ में आ गया आपको, ये एक बार पढ़ लीजिए जब तक वो आते हैं कैमरे वाले कैमरामैन। 9.4 पढ़ो बच्चों, कैमरा चलाना है इसका, कैमरा एक बार, एक झटका लगा था, एक झटके से
वैक्यूम बंद हुआ था, कैमरा बंद हुआ था झटके से, बाकी तो सिस्टम तो चल ही रहा है। अगर ये बंद होता तो फिर रिस्टार्ट करना पड़ता। आ गया मैं, चलो 9-4 देखो भाई, बातें बंद करो। रिवर्स चार्ज व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने किसको किया है, रजिस्टर्ड पर्सन को किया है, तो उसमें 9-4 में आरसीएम आएगा। नॉर्मली गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है बच्चों, जो इंट्रा स्टेट का 9-4 है उसे एग्जेम्प्ट कर रखा है। मतलब जितने भी गुड्स या फिर सर्विसेज हैं जो इंट्रा स्टेट में है स्पेसिफाइड वाले, उनको पूरा एग्जेम्प्ट कर रखा है, या मैं कहूँ इंट्रा स्टेट सप्लाई पर 9-4 को हटा ही रखा है, ये एप्लीकेबल ही नहीं है एक बार के लिए। बस किसको छोड़ते हुए, रियल स्टेट सेक्टर को छोड़ते हुए, रियल स्टेट सेक्टर पे लगा हुआ है 9-4, बाकी किसी पे नहीं है 9-4। इंटरस्टेट सप्लाई में स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उस केस में क्या होगा बच्चों, अगर सप्लायर क्या है आपका अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट क्या आपका रजिस्टर्ड है, तो अब रेसिपिएंट क्या करेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा रेसिपिएंट को। किसके ऊपर, किसके ऊपर, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस। सबकी बात नहीं हो रही है, आप ये मत सोचना अनरजिस्टर्ड सप्लायर होगा तो हमेशा रेसिपिएंट को देना पड़ेगा, नहीं नहीं, अगर वो स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज है और सिर्फ 2 या 4 को ही स्पेसिफाइड कर रखा है गवर्नमेंट ने, सबको नहीं कर रखा, तो सिर्फ उन पे क्या लगेगा आपका आरसीएम में जीएसटी आ जाएगा। आई क्या बात समझ में। चलो रियल स्टेट सेक्टर, अब रियल स्टेट सेक्टर पे किस तरह से जीएसटी आएगा उसकी बात हम करते हैं। रियल स्टेट सेक्टर जीएसटी रेट, जीएसटी रेट कैसे आएंगे रियल स्टेट सेक्टर में, देखिए 2 तरीके के पॉइंट बता रखे हैं गवर्नमेंट ने। एक बोला है गवर्नमेंट ने कि सर 1% विदाउट आईटीसी, एक बोला है 5% विदाउट आईटीसी। ये रियल स्टेट सेक्टर के टैक्स रेट है बच्चों जीएसटी के अंदर। अगर आप अफोर्डेबल हाउस बनाते हैं तो आपको 1% जीएसटी देना पड़ेगा, अगर आप अदर देन अफोर्डेबल हाउस बनाते हैं तो आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा, जो बहुत नॉमिनल है। अभी अफोर्डेबल हाउस किसे कहते हैं, बता रखा है कि सर ऐसा हाउस जो 60 square meter का है इन मेट्रो सिटी और 90 square meter का है इन नॉन मेट्रो सिटी में, तो इसे हम क्या कह देंगे, अफोर्डेबल हाउस। 60 square meter मतलब जो 60 square meter का छोटा सा मकान है मेट्रो सिटी की हम बात करें जयपुर वगैरह में, या 90 square meter के छोटे छोटे मकान जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, अफोर्डेबल हाउस बोल देंगे। और उनकी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे केस में उन पर जीएसटी रेट कितना हो जाएगा, 1%। 5% विदाउट आईटीसी अदर देन अफोर्डेबल हाउस या कमर्शियल अपार्टमेंट शॉप ऑफिस एसेट्रा अप टू 50% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अपार्टमेंट, तो इस पर क्या होगा बेटा जीएसटी आपका 5% माना जाएगा, ठीक है। अफोर्डेबल हाउस पर कितना है, 1% जीएसटी रेट है, और अदर देन अफोर्डेबल पर कितना है बच्चों, 5%, या कमर्शियल स्पेस वगैरह जो होता है ना वो जो बनाते हैं उस पर कितना होगा आपका, जैसे मॉल वगैरह बनते हैं उस पर कितना आएगा, 5% जीएसटी रेट आएगा। कंडीशन बस इतनी सी, आपको आईटीसी नहीं लेना है और 80% इनपुट और इनपुट सर्विसेज सेल बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये 2 कंडीशन लगाई है। अगर आप 1% या 5% के नॉमिनल रेट पर आना चाहते हैं तो आपको आईटीसी नहीं देगी गवर्नमेंट, और किसकी बात करें, बिल्डर को बोल रही है गवर्नमेंट, देख भाई बिल्डर जो तू अफोर्डेबल हाउस या नॉन अफोर्डेबल हाउस बना रहा है तो हम तेरे से जीएसटी लेंगे 1%, तेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा, और दूसरी बात तुझे 80% या उससे ज़्यादा का सामान रजिस्टर्ड से परचेज करना पड़ेगा। अब देखिए नोटिफिकेशन नंबर 7 क्या बोलता है, इनपुट या इनपुट सर्विसेज सप्लायर, ये रेसिपिएंट है,
अगर वो 80% या उससे ज्यादा का सामान रजिस्टर्ड से खरीद लेता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो प्रमोटर ने अगर क्या किया, 80% या ज्यादा का सामान एफसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा उसको, और यदि 20% या उससे कम का सामान अनरजिस्टर्ड परचेज किया क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। सोचिए मैं एक बिल्डर हूं, मैं अफोर्डेबल हाउस बनाता हूं और मैंने कुछ इनपुट्स परचेज किए, जो भी मकान में जो लगता है इनपुट्स वगैरह वो मैंने परचेज किया, और मैंने परचेज किया इनपुट 100 रुपये का टोटल इनपुट। इस 100 में से 80 रुपये का इनपुट मैं ऐसे सप्लायर से परचेज कर रहा हूँ जो क्या है बच्चों, रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड इसका मतलब क्या होगा, ये सप्लायर मुझसे क्या चार्ज कर लेगा, जीएसटी चार्ज कर लेगा, और मैं इसको क्या दे दूंगा, जीएसटी दे दूंगा। इसका मतलब जीएसटी किस में आ गया, एफसीएम में आ गया। अब 20 ऐसे थे या 20 से कम ऐसे थे जो क्या थे, अनरजिस्टर्ड थे, तो उन्होंने मुझसे क्या नहीं चार्ज किया होगा, जीएसटी नहीं चार्ज किया होगा। तो उस पर अब जीएसटी चार्ज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 80% तक मुझे रजिस्टर्ड से परचेज करना था। पर क्या हो सर, अगर आपने इस 80% के क्राइटेरिया को तोड़ दिया, तो गवर्नमेंट कहती है अगर तूने 80% से कम पर अनरजिस्टर्ड से परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये के इनपुट परचेज किए थे, जो 70 रुपये के तो मैंने रजिस्टर्ड से परचेज किए और 30 रुपये के मैंने अनरजिस्टर्ड से परचेज किए, तो 70 रुपये तो क्या दे दिया होगा तूने, एफसीएम दे दिया होगा जीएसटी के अंदर। अरे बोलिए ना, इस पे जीएसटी लग गया होगा। अब बताइए 80% से कितना कम रह गया, 10% कम रह गया, तो इस 10 रुपये पे तुझे आरसीएम में क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आई बात समझ में, अब बिल्डर को इस 10 रुपये पे आरसीएम टैक्स देना पड़ेगा, और बाकी जो 20 है वो क्या हो जाएगा आपका, एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब 80 से जितना कम पड़ेगा उस पर अब बिल्डर को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। देखो लेस देन 80 और लेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर, प्रमोटर ने क्या किया, शॉर्टफॉल हुआ है जो मेक इट 80%, उस पर एफसीएम देना पड़ेगा, और रेट कितना होगा, 18+18% के हिसाब से, बहुत बड़ा रेट होता है भाई। मतलब साफ कह रही है गवर्नमेंट की, अगर आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज करने की कोशिश भी की तो हम आपकी रेल बना देंगे 18+18% से। सीमेंट का केस, एक प्रमोटर को सीमेंट भी परचेज करना पड़ता है भाई, तो सीमेंट के केस में क्या होगा, सप्लायर जो आपका है अब सीमेंट आपको 100% किससे परचेज करनी है, रजिस्टर्ड से ही परचेज करनी है, गवर्नमेंट बोल रही है। सीमेंट में कोई भी आपको हम नहीं देने वाले 1% छूट, पूरा का पूरा सीमेंट कहां से परचेज करना, रजिस्टर्ड से परचेज करना। अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो प्रमोटर मतलब बिल्डर को क्या करना पड़ेगा, एफसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, कितना, 14+14%। अगर रजिस्टर्ड है तो क्या है, नॉर्मल टैक्स लगेगा जो लग जाएगा। आई क्या बात समझ में, मतलब सर सीमेंट के अलावा जो भी प्रोडक्ट लगता है, ईंट पत्थर बजरी सरिया जो लग रहा है आपके मकान बनाने में, उसमें 80% रजिस्टर्ड से परचेज कर लो। सीमेंट के लिए गवर्नमेंट बोल रही है सारा कहां से परचेज करना, एक भी बैग तुमने सीमेंट का अनरजिस्टर्ड से लिया है तो उस पर हम आपको ही क्या करना पड़ेगा, आरसीएम टैक्स देना पड़ेगा, वो भी कितना, 14+14%। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, अरे बिल्डिंग बनाने के लिए कैपिटल गुड्स की भी तो जरूरत पड़ती है, वो बड़ी बड़ी क्रेन्स वगैरह होती है, तो कैपिटल गुड्स के केस में क्या बोला, वो भी 100% केस है बच्चों, कि जो भी अगर आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया तो प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, जो भी टैक्स अप्लाई है उस कैपिटल गुड्स का, जो भी टैक्स रेट रहेगा उसी टैक्स के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। बोलिए भाई, अब आया हमारा अगला चार्ज, 9.5 का चार्ज, जिसे हम बोलते हैं ईसीओ का चार्ज, 9.5। देखिए पुराने जमाने में क्या था, ईसीओ इतना इफेक्टिव नहीं था, पुराने जमाने की बात करूँ तो ये फ्लिपकार्ट, ये जो आपका अमेजोन है, ये जो पॉलिसी बाजार .com है, कार देखो .com है, ये सब अभी 5-6 सालों में इफेक्टिव हुए हैं बच्चों। पिछले 10 साल की हिस्ट्री में जाए तो ये थे भी नहीं, या थे तो इतने इफेक्टिव नहीं थे। आज के टाइम पर ये फ्लिपकार्ट हो गया आपका, ये पॉलिसी बाजार .com हो गया, ये अमेजोन हो गया,
ये जितने भी हैं, हाँ ओयो वगैरह, ये जितने भी हैं आपके, ये अब इफेक्टिव हुए हैं, उससे पहले इनका कोई इतना नहीं था। तो गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लिख रही थी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को पता था फ्यूचर अब ऑनलाइन बिजनेस का ही है, तो क्यों ना हम ऑनलाइन बिजनेस के लिए अलग से चार्ज बना दें। नॉर्मली होता है क्या बेटा, फ्लिपकार्ट पे एक पर्सन को अपना सामान बेचना और एक पर्सन को सामान खरीदना है। फ्लिपकार्ट क्या करता है, एग्रीगेटर का काम करता है, दो लोगों को मिला देता है। ये तो आपने अपने चैप्टर नंबर 4 ES में पढ़ा था, एग्रीगेटर का मतलब। तो दो लोगों को मिलाता है फ्लिपकार्ट, बायर को भी और सेलर को भी, और बदले में अपना कमीशन चार्ज करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जीएसटी कौन पे करे, क्योंकि सर बायर ने किसको दिया होगा, एग्रीगेटर को मतलब फ्लिपकार्ट को, और फ्लिपकार्ट ने आगे किसको दे दिया होगा, सप्लायर को। बात समझ में आ रही है? तो इसमें तीन लोग इन्वॉल्व हो गए कि सर क्या दो बार जीएसटी लगेगा क्या। तो गवर्नमेंट ने इन सब का झंझट आया, गवर्नमेंट ने कहा ये सारा का सारा प्रोग्राम किसके थ्रू हो रहा है, ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है। अरे यही तो मेन पर्सन है जिसकी वजह से ये दोनों मिले हैं, तो क्या ना इस मेन पर्सन को क्या कर देंगे हम, टैक्सेबल कर देंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कोई भी प्रोडक्ट खरीदो या कोई भी प्रोडक्ट बेचो, किसके थ्रू, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है हम तो उसी से उसी को जानते हैं। देख भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर, तुझे ही क्या करना पड़ेगा, इस सप्लाई पर जो हुई है टैक्स देना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में? ई कॉमर्स ऑपरेटर दो तरीके से काम करता है बच्चों, होता क्या है, देखिए एक तो होता है जैसे मान लो ये आपका फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ठीक है। अब फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट नहीं, कोई भी इश्यू मानो ठीक है, फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। ये सप्लायर है बच्चों, ये रेसिपेंट है ठीक है, ये इसको सप्लाई करता है, ये आगे इसको सप्लाई कर देता है, ये इसको पेमेंट करता है, ये आगे इसको पेमेंट करता है, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ इसको अपना फोटोग्राफ भेजता है, इसके डिस्प्ले पर इसके प्रोडक्ट का फोटो दिखता होगा, ये फोटो दिख रहा है। अब इस प्रोडक्ट के फोटो को ये देखकर कहता है हाँ भाई पसंद है प्रोडक्ट। अब वो क्या करेगा, ऑर्डर किसको करता है बच्चों, ई कॉमर्स ऑपरेटर को, और ये ऑर्डर आगे पास ऑन हो जाता है किसके पास, सप्लायर के पास। आई क्या बात समझ में? अब जैसे ही पास हो गया तो अब ये आपका सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर रेसिपिएंट को क्या करेगा, ये गुड्स सेंड कर देगा। अब आएगी पेमेंट की बारी, पेमेंट कौन करेगा बच्चों, आर पेमेंट किसको करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को, और ये किसको दे देगा। बहुत बार क्या होता है आर डायरेक्ट किसको पेमेंट कर देता है, सप्लायर को पेमेंट कर देता है। तो अब यहां पर तो लफड़े वाली बात हो गई बेटा, पहले कोई किसको इसको दे रहा है, कोई इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, कई बार ये इसको दे रहा है बचाओ पेमेंट, तो इस केस में कौन किसको टैक्स लेगा। तो गवर्नमेंट ने इन सभी लफड़ों को खत्म कर दिया, कि भाई चलो हटो तुम सभी साइड में हट जाओ, सप्लाई हुई है हाँ हुई है तो देख भाई इसी हो, चाहे तुझे पेमेंट मिले, चाहे तू पेमेंट दे, चाहे तू कमीशन ले, चाहे कमीशन नहीं ले, वो तेरी सिरदर्दी है, हम तो तुझसे क्या ले लेंगे, 9-5 में टैक्स ले लेंगे। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का ही क्या होगा, 9-5 में चार्ज आ जाएगा। बोलिए भाई। अब बहुत बार क्या होता है बच्चों, ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं और बहुत बार रजिस्टर्ड नहीं भी हैं। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में काम कर रहा है, उसका खुद का फिजिकल प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे कर देगा, कोई दिक्कत, फ्लिपकार्ट खुद टैक्स पे कर देगा। पर यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में कोई भी क्या नहीं है बच्चों, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ऐसी बहुत सारी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिनका इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो सिर्फ किसके थ्रू कर रहे हैं, लॉजिकल प्रेजेंस के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा Alibaba.com का, उसका फिजिकल प्रेजेंस अभी इंडिया में नहीं है, पर वो काम कर रहा है, धड़ाके से काम चल रहा है उनका। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, देख भाई Alibaba.com या तो तेरा फिजिकल प्रेजेंस ले आ, कि कल को अगर टैक्स की चोरी होगी तो किसको पकड़ के हिलाएं हम, और किसको पकड़ेंगे टैक्स तू दे, तू है ही नहीं यहां पर, तू तो निकल लेगा कल को। तो गवर्नमेंट कह रही है तो तू आ जा, अगर तू नहीं आएगा तो ऐसे पर्सन जिसको हम एजेंट कहते हैं उसको अपॉइंट कर, कल को अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो उस एजेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। आई क्या बात समझ में? तो पहला केस क्या है बच्चों, या तो आपका ईसीओ खुद इंडिया में हो, अगर ईसीओ इंडिया में नहीं है तो क्या है, उसका एजेंट अपॉइंट, तो एजेंट होना चाहिए, अगर एजेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पहले एजेंट को अपॉइंट करो,
उसके बाद में आप अपना बिजनेस कर पाओगे। अगर आपने एजेंट अपॉइंट नहीं किया, आपका फिजिकल प्रेजेंस भी इंडिया में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, आप इंडिया में बिजनेस ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां बच्चों जो इंडिया में नहीं चल रही। क्या फ्रांस में भी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी चल रही होंगी क्या? हाँ, अरे इंडिया में जैसे फ्लिपकार्ट चलता है, फ्रांस में कोई वहाँ का भी कुछ चलता होगा, रशिया में कुछ और चलता होगा। समझ में आ रही है बात? अब क्या वो सारे बिजनेस यहाँ चल रहे हैं क्या? नहीं सर। क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि उनका ना तो फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है, ना ही कोई एजेंट इंडिया में, ना ही उन्होंने अपॉइंट कर रखा है। तो इस केस में क्या वो बिजनेस ही नहीं कर पाते। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर एनी पर्सन हु इज ऑन ऑपरेट और मैनेज द डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। 9.5 गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई पेड बाय द ईसीओ इफ सच सर्विसेज सप्लाई थ्रू इट ऑल प्रोविजन अप्लाई ऑन ईसीओ। बता रखा है कि साहब अगर कोई भी पर्सन सप्लायर ईसीओ के थ्रू अपना सामान बेचता है तो सारे प्रोविजन किस पे अप्लाई कर दिए जाएंगे? ईसीओ पे अप्लाई कर दिए जाएंगे। फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है? प्रोविजो फर्स्ट बोलता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द एन ईसीओ डज नॉट हैज फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया में, कि उस ईसीओ का क्या नहीं है बच्चों, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा? जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का फॉर द एनी पर्पज इन टैक्सेबल टेरिटरी इज शैल बी लायबल टू पे टैक्स। Provided further that where the ECO also have does not have representative in legal representative in the said territory, उसका कोई legal representative भी नहीं है बच्चों, तो अब क्या होगा? तो पहले appoint करना पड़ेगा, such e-commerce operator shall appoint a person for the purpose of paying the tax and such person shall liable to pay tax under GST। आए समझ आपको? ECO के लिए एक notification है बच्चों, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय कैब या मोटरसाइकिल चल रहे हैं आजकल, चल रहा है ना मोटरसाइकिल, कौन सा होता है वो, उबर का, उबर का भी है, उबर का भी आता है क्या, रैपिडो, रैपिडो और क्या है, जुंजो, जुंजो, तो जो भी रैपिडो वगैरह का नाम मैंने भी सुना है, तो रैपिडो हो गया या फिर ओला उबर के जो भी बाइक भी चल रही है या फिर इनकी कैब वगैरह चल रही है, तो इस केस में हमेशा क्या होगा बच्चों, ओला उबर को ही टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो क्या है, उनका ईसीओ है। आई बात समझ में? बाइक वाले को पेमेंट करो आप, चाहे ऑनलाइन पेमेंट करो, कैसे भी पेमेंट करो आप, पर इस पे जो टैक्स बनेगा वो कौन देगा? आपका ईसीओ मतलब ओला उबर ही पे करेगी। पर हाउसकीपिंग की सर्विसेज या फिर रेंटिंग ऑफ रूम, आजकल रूम रेंटिंग का भी तो एप्लीकेशन चलता है, वो ओयो चलता है बच्चों, तो ओयो या फिर हाउसकीपिंग सर्विसेज, मतलब आपने अर्बन क्लैप का नाम सुना होगा, घर पे आके वो ठीक करके जाते हैं, एसी वगैरह, बाथरूम वगैरह, कुछ भी ठीक करवाओ उन सब ठीक कर देते हैं वो, तो अर्बन क्लैप या फिर हाउसिंग हाउसकीपिंग सर्विस जो आपकी है, उस केस में क्या होगा कि जो आपका सप्लायर है अगर वो रजिस्टर्ड है तो सप्लायर लायबल टू पे टैक्स अंडर ईसीओ। जैसे मान लो एक होटल है जो पहले से जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आपने उस होटल के ओयो से आपने उस होटल में रूम बुक कराया है, तो अब जो पेमेंट कर रहे हो होटल में कर रहे हो, तो अब क्या करोगे आप, अब एफसीएम में टैक्स लगेगा, मतलब होटल वाला ही आपसे क्या करेगा, टैक्स चार्ज कर लेगा। पर एक होटल जो आपने बुक करवाया है जो रजिस्टर्ड नहीं है किसके अंदर, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ओयो को ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अर्बन क्लैब को भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में? बोलिए भाई। तो ये था आपका सेक्शन 9 जो हमने यहाँ कंप्लीट किया, बहुत ही एक सिंपल सा सेक्शन था बच्चों, जो लगभग हमारा 19 पेज में कंप्लीट हुआ है। फोन भी आ गया है। हेलो, वो सब फर्जी होते हैं। रात का मतलब, रात को तो वैसे किसके आएंगे,
शाम को जब 7 बजे, जैसे आपको भी बोल रहा हूँ बेटा, आप भी जब भी मुझे कोई बात करनी हो, आपको कोई मतलब डाउट वगैरह पूछने की बात करोगे हो तो क्या, तो आप शाम को ही फोन करना। दिन में तो देखो लगभग कोई फोन उठाता भी नहीं, जैसे अभी तो टॉपिक कंप्लीट हुआ था तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कौन है। तो अभी मैंने एक, ये इससे पहले भी एक फ़ोन देखा था, वो भी रॉन्ग नंबर था। ये था कि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी से बात कर रही हूँ, आपको ये चाहिए नहीं चाहिए, मैं बैंक से बात कर रही हूँ, आपको ये चाहिए नहीं चाहिए। और एक दूसरा शेयर मार्केट के, सारे दिन फोन आते हैं, सारा दिन, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग मैं करता हूँ। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एंजल ब्रोकिंग के थ्रू ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये एंजल वाले क्या करते हैं, मेरा नंबर आगे दे देते हैं और फिर सारा दिन फोन। और जैसे ना वो देखते हैं कि कौन पर्सन कितना ट्रेडिंग कर रहा है, पता चलता है इनको कि भाई इस महीने इसका 2 लाख का ट्रेडिंग है, इसका मतलब ये बंदा इंटरेस्टेड होगा। और फिर बजते हैं उनके फ़ोन, कोई यहाँ से बोल रहा है, कोई वहाँ से, हम आपको इतना प्रॉफिट कमा देंगे, हम उतना प्रॉफिट कमा देंगे। कई बार तो फ्री होता हूँ तो मैं उनको समझाता हूँ, मैं कहा तू बता, तू बताएगा मेरे को कैसे प्रॉफिट कमाना है। मैं कहा तेरे घर की है क्या NSC BSC जो तू बता देगा प्रॉफिट? और जब तुझे इतना कॉन्फिडेंस है इतना प्रॉफिट कमा देगा तो मुझे फ़ोन क्यों करा, कमा ले फिर, क्यों दुखी हो रहा है भाई? जब मुझे पता है कि जादू की चाबी ऐसे बनती है तो मैं क्यों, मुझे सीक्रेट बता रहा है अपने, कमाओ प्रॉफिट मौज मारो। कह नहीं सर वो तो हमें इतना बेनिफिट है, हमने, हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया है। अरे भाई 10 दिनों में एक दिन तुक्का लग जाता है, उसके स्क्रीनशॉट संभाल के बैठे हो तुम लोग, उसको दिखाते रहते हो कि देखो देखो ये लग गया तुक्का। ऐसे थोड़ी होता है भाई, सर मार्केट या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये तो है नहीं कि भाई फ्लक्चुएट हो रहा है आपका। तो आपने किसी पर्टिकुलर शेयर्स को इंट्राडे में परचेज किया है तो वो उसमें प्रॉफिट आ गया, आपने बेच दिया, प्रॉफिट चला गया, तो जिस दिन प्रॉफिट आ गया उसके स्क्रीनशॉट लेके बैठे हो मुझे भेज रहे हो। शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं होता बच्चों, हमने आप तो फाइनल में आओगे, पढ़ाई करोगे भाई 100 नंबर की पूरी पढ़ाई करोगे कैसे चलता है ये चीज़ें, तो अब हमें बताओगे कि कैसे होगा, नहीं बता सकते। और आजकल तो इंजीनियर्स लोग इसमें लगे हुए हैं, इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ऐसे ऐसे। मुझे एक बंदे ने बताया, मेरे साथ के CA फ्रेंड है, वो कह रहे हैं कि कम से कम उन्हें टीम बना रखी है पूरी 10-15 CA की, और वो उनको बिठा के उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि उनको पता नहीं नॉलेज, और वो उसी मोमेंट पर क्या बना रहे हैं, इसका एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और वो अपने आप ट्रेडिंग करता रहेगा। वो बिल्कुल जॉबिंग कर निकालता रहेगा और ट्रेडिंग करता रहेगा, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। और जब ऐसे सॉफ्टवेयर बन जाएंगे तो चीजों को मूव ही नहीं करने देंगे ये लोग, अब पूरा का पूरा ब्लफ चलेगा मार्केट के अंदर। अब आपकी नॉलेज गई है, कोई काम की नहीं है नॉलेज। अरे कितना भी नॉलेज क्यों ना हो आपको इस मार्केट में, ये कंपनी है, अपने बैलेंस शीट देखा, उसका PE रेशो देखा, अपने फलाना देखा, ढिमकाना देखा, वो देख दा के बैठ जाओ। अब आपके हिसाब से कंपनी का शेयर आगे बढ़ना चाहिए, पर कंपनी का शेयर का इंडिकेटर का मतलब और इंडिकेटर चल रहे हैं उसके अंदर, तो पता नहीं क्या होगा। चलो जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। तो ये था आपका सेक्शन 9। हमने जब शुरुआत की थी इस चैप्टर की तो मैंने आपको बताया कि इसमें हम 2 सेक्शन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सेक्शन 9 और एक पढ़ेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 आपका कंपोजिशन का है बच्चों, है क्या, बैठे बैठे बैठे, कोई बच्चा गया नहीं, बैठे हैं 5-7 तो हैं, कोई बात नहीं, होता है। पढ़ाई करना देखो आसान थोड़ी है, अगर पढ़ाई करना आसान होता तो सभी IPS बन जाते बेटा, सभी CA बन जाते, जितने भी रिजल्ट थे 5% रिजल्ट थोड़ी रहता, रिजल्ट 95% आता, जैसे 12th का आता है। CA बनना आसान थोड़ी है। CA में क्या होता है कि बच्चों के अचानक एक मतलब खुरकरी उठती है, वो कहता बस अब मैं पढ़ाई करूँगा, अपना वो बनाता है, वो प्रोग्राम बनाता है, वो जैसे अभी रात में बन जाएगा CA, वो किताबें वगैरह मेज वगैरह जचा ली है, बढ़िया चद्दर उस पर लगा दिया, लाइट वाइट सेट कर दिया, ठीक है, फोटो वोटो लगा लिया भगवान के वगैरह कि सर पापा मैं, अब घर वाले भी देख रहे हैं कि यार आज ही बनेगा ये तो CA, प्रोग्राम बन रहे हैं, उसके चार्ट लगा रहा है वो, मैं कितने बजे उठूंगा कितने बजे सोऊंगा, 4 घंटे के अंदर ही देखिए हमने, देखिए ऐसे खुरखुरी उठने से CA नहीं बनते बच्चों, आसान नहीं है।
इस टेबल पे बैठ के 18 घंटे पढ़ना पड़ता है तब जाके सीए बनते हैं। बैठना पड़ेगा, आप लोगों को बैठना पड़ेगा। ये सच्चाई को कब मर्जी स्वीकार कर लीजिए। आप नहीं कर सकते तो आप लटकते रह जाओगे लाइफ के अंदर। जो चीज आपने शुरुआत की है उस चीज को खत्म भी कीजिए बच्चों। हिम्मत रखिए इतनी कि इसे खत्म करके छोड़ूंगा मैं। और आप इंस्टीट्यूट को अगर आपको 100 घंटे पढ़ाना है तो वो पूरे 100 घंटे पढ़ाएगा। अगर आपने 99 आर्ट्स पढ़ाई की है, एक आर्ट्स भी आपने कम पढ़ाई की है तो भी इंस्टीट्यूट क्या करेगा, फिर से 100 घंटे पढ़वा लेगा आपसे। इसीलिए 100 घंटे पढ़ना है तो उसकी बजाय आप 150 घंटे पढ़िए ताकि आराम से पास हो जाए। ये तो पढ़ना पड़ेगा। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, आप किसी और को धोखा दे सकते हैं, पर अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। आपका दिल जानता है कि आप कितनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन मानिए बच्चों, ये फाउंडेशन नहीं है, ये इंटरमीडिएट है। फाइनल लेवल पे आओगे तो फाइनल लेवल बात करूंगा मैं, पर ये उतना आसान नहीं है। ये जो सफ़र है ये आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, फेल हो जाओगे, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। पर मैं आपको चेता रहा हूँ, चीज़ों को रिलैक्स नहीं छोड़ सकते यहाँ पर। आपके पास समय बहुत कम बचा है और इसमें बहुत कुछ करना है आपको। अगर आपको देखिए, आप घर पे जाके अपनी किताबों का ही ढेर लगा देना, कितनी ऊंची पहुंच जाएगी बच्चों, इतनी ऊंची पहुंच जाएगी। इतनी सारी किताबें पढ़नी है आपको और इतनी मोटी मोटी किताबें, और हर एक पेज पर नया नया कंसेप्ट लिखा हुआ है, और ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होंगी तब जाके आप इंटरमीडिएट पास कर पाओगे। तो यहाँ रुकने से, छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। आपको अपना फोकस करके चलना है। आज स्टूडेंट जो अभी आके मुझे चॉकलेट देके गया, मैंने क्या बोला, ये बहुत क्लास में इसके सामने बोला मैंने आपको, बहुत मस्ती करता था ये कितने सारे बच्चों को परेशान करके, मतलब फेल करके चला गया। उस समय सभी बच्चे ये सोचते थे कि हमारा ये लीडर है या जो भी है। इसके साथ एक और था इसके जैसा चर्चित, वो भी बहुत ग्रुप पास कर गया। पूरी टीम बना रखी थी उन्होंने 15-20 बच्चों की, उसमें लड़के लड़कियां सब शामिल थे। पूरी टीम बस्ते में लग गई, ये दोनों पास हो गए। अभी भी मजे मार रहे हैं ये तो। क्यों? मुझे बिल्कुल पता था, एक फोकस था, क्योंकि इनके डाउट्स आते थे मेरे पास। मुझे पता था ये बच्चा पढ़ता तो है, मैंने इसको क्लास में बहुत बार डांटा है, बहुत बार मजे भी लिए इसके मैंने। पर मैंने ये हमेशा समझता था कि सर को पता है कि मैं पढ़ाई तो करता हूँ, ये पढ़ाई तो जरूर करता था ये। बस इन्होंने क्या है कि इसको देख के बाकी सब बच्चे खराब हो रहे हैं। वो सोच रहे ये मस्ती मारता, पढ़ता तो है नहीं, कभी ये चाय पीने, कभी इस लड़की को उधर लेके चला के बात करने चला गया। अब सब सोच रहे ऐसा ही है ये, पर ये तो अपना काम कर गया। अब बाकी जो इसके पीछे बैठ के खराब हो रहे थे वो तो खराब ही रह गए। तो इसीलिए कह रहा हूँ बच्चों, सब अंदर ही अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको दिखाते नहीं हैं, चुपचाप पढ़ते हैं। वो पास हो जाएंगे और आप फेल हो जाओगे, और फेल होना इतना बड़ा धब्बा है बच्चों, परेशान हो जाओगे। उन्हीं किताबों को अगर फिर से खोलना पड़ेगा, हे भगवान, सोच के भी डर लगता है। जिन किताबों को आप एक साल से पढ़ रहे हैं फेल होने के बाद में, उन्हीं किताबों को आप फिर से पढ़ोगे, बहुत तकलीफ होगी बच्चों। फर्स्ट अटैम्प्ट इज गोल्डन अटैम्प्ट, लगा दीजिए पूरी जान। जब व्हाट्सएप पे स्टेटस देखोगे दूसरों के कि वो इंटरमीडिएट में पास हो गया, वो फाइनल में चला गया, वो आर्टिकलशिप देख रहा है, मैंने ज्वाइन कर लिया पीडब्ल्यूसी आर्टिकलशिप, और आप फेल हैं। वो जो स्टूडेंट जो आपके साथ बैठ के पढ़ता था, वो जो कम पढ़ता था, वो जो क्वेश्चन गलत करता था, वो जो जिसको टीचर क्लास से बाहर निकाल रहा था, आज वो आपसे आगे निकल गया है। आप अभी भी वहीं बैठ के उसी चीज़ को फिर से रिवाइज कर रहे हैं जो आपके साथ वो भी पढ़ता था। बड़ी तकलीफ होगी बेटा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये यहाँ लगता है। इसीलिए बोलता हूँ गोल्डन अटेम्प्ट है आपका। एक बार अगर भगवान ना करे झटका लग गया, इतना हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल भी नहीं सोचना कि सर सेकंड अटेम्प्ट लेना है, फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप। और उसके लिए क्या चाहिए आपको, डिटर्मिनेशन चाहिए। ऐसे मौज मस्ती से नहीं होने वाला। बच्चे आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर लाइव आ गया, फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं, पार्टी जरूरी है। अरे भाई नहीं होगा, हलवा है क्या, सबको मिल जाएगा। बीकॉम थोड़ी कर रहे हो, ट्वेल्थ थोड़ी चल रहा है तुम्हारा, सीपीटी थोड़ी चल रहा है, क्या फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन थोड़ी चल रहा है जो कुछ है। अरे 60% तो वहीं से पढ़ के आए हो अपने ट्वेल्थ में आप, वही तो, उसी का तो पेपर हुआ है फाउंडेशन के अंदर, तो कौन सा तीर मार दिया आप लोगों ने। फाउंडेशन पढ़ के बच्चा सोचता है मैं तो बस बन गया सी। अरे भाई क्या किया तूने, वही ट्वेल्थ वाला भी दे के आता तो भी पास हो जाता।
ये देखना, स्मिथ मार के दिखाती है 5% रिजल्ट। इसमें अगर आप आगे निकलेंगे तभी क्या होगा, आगे बढ़ोगा। देखो ये मत सोचना बच्चों कि मैं आपको डरा रहा हूं या मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूं, मैं आपको चेता रहा हूं। मैं बहुत खुश होऊंगा बच्चों जब आप पास होंगे, सीए बनेंगे, जब आपका स्टेटस चेक करूंगा मैं इंस्टाग्राम, जब मैं चेक, वैसे नॉर्मली बहुत कम चेक करता हूं मैं, जब मैं चेक करूंगा तो मुझे दिखेगा कोई स्टूडेंट जो आज यहाँ पर आर्टिकलशिप कर रहा है, आज वहाँ पर वो ये कर रहा है, खुश हो रहा है, अच्छा लगता है। भाई मेरे स्टूडेंट हो आप, मेरे साथ 4 महीने से पढ़ रहे हो आप, मुझे भी अच्छा लगता है कि यार देख मेरा बच्चा कितना आगे बढ़ गया। आई बात समझ में क्या? तो फर्स्ट अटैम्प्ट क्या है, गोल्डन अटैम्प्ट है, मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए सर पास होना है। मैं नहीं कहता रैंक लेके आओ, रैंक रहोगे तो आपकी लाइफ है बच्चों, पता नहीं कैसे रॉकेट की तरह आगे निकलोगे आप, आर्टिकलशिप में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं सब कुछ बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर मैं रैंक की तो बात नहीं करता, करो आप रैंक लाओगे, आपका खुद का देखो इंस्टीट्यूट का बेनिफिट है वो है, आपका खुद का भी तो कितना बेनिफिट है। पर पास हो जाना मेरे भाई, हमें तो बस 400 लेके आने हैं पूरे, 401 भी नहीं चाहिए और 399 भी नहीं चाहिए, 400 आ जाए ताकि सीए फाइनल गेट पे खड़ा हो जाए। सीए बनने के बाद कोई नहीं पूछता तेरे नंबर कितने आए थे, डॉक्टर बनने के बाद कोई नहीं पूछता कि तूने कितने नंबर आए थे तेरे फिजिक्स के अंदर, नहीं डॉक्टर है सर। सीए बनने के बाद आपकी असली जर्नी स्टार्ट होगी, तब वहां पर आपका नॉलेज काम करेगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, पर उसके पहले आपको ये बनना पड़ेगा। बोलिए ना। तो चलिए बच्चों सेक्शन 10 हम स्टार्ट करें, कंपोजिशन स्कीम। बीच में थोड़ा सा मैंने मोटिवेट कर दिया आप लोगों को, हालांकि ये मोटिवेट थोड़ा पिंच करने वाला था, पर ऐसे जरूरी है मोटिवेट। पढ़ते हैं कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10। देखिए बच्चों दो, एक तो सेक्शन 9 में आपको टैक्स पे करना है और एक सेक्शन 10 में पे करना है, दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। या तो आप आ जाइए सेक्शन 9 के अंदर जो एक नॉर्मल स्कीम है, स्कीम नहीं है नॉर्मल टैक्स है, या फिर आइए आप सेक्शन 10 के अंदर। अगर आपने सेक्शन 10 को ऑप्ट कर लिया है तो सेक्शन 9 आपका बंद हो जाएगा और सेक्शन 10 के हिसाब से आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सर जीएसटी में चार्जेबिलिटी के दो गेट है, एक सेक्शन 9 का गेट है जो हमने भी पूरा देख लिया, और अब कौन सा गेट देखने वाले हैं हम, सेक्शन 10 का। अगर आपने सेक्शन 10 का गेट खोल दिया है नाइन का बंद हो जाएगा, और यदि आपने सेक्शन 9 का गेट खोल लिया तो सेक्शन 10 का बंद हो जाएगा। सर मतलब लाइफ में नहीं बच्चों, कभी भी खोल के बंद कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, कभी भी 9 में घुस सकते हो कभी भी 10 में, पर एक साथ दो में नहीं जा सकते आप। आई बात समझ में आपको, ये सेक्शन 10 बात करते कंपोजिशन ले। गवर्नमेंट कहती है कि देखिए नॉर्मली आप सेक्शन 9 में जाओगे तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे, आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा, आपको उसका आईटीसी मिलेगा, आपको सब कुछ काम करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि सर हर पर्सन ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, क्या सभी लोग फुल प्रॉफिट कमाते हैं क्या? नहीं सर। क्या ये जरूरी है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं हम पढ़ रहे थे बेटा पीजीवीपी के अंदर, मैंने आपको सेक्शन 44AD 44A वगैरह समझाया था, याद आ गया आपको? अरे टैक्स ऑडिट नहीं, टैक्स ऑडिट 44A भी था बेटा, वो तो 44AD 8% का प्रॉफिट दिखा दो आप, 44ADA 50% सर्विस वालों के लिए, 44AE ट्रांसपोर्ट के लिए 7,500 और 1,000 रुपये अगर आपका ट्रक बड़ा होगा, याद है ना आपको ये 12 टन से ऊपर वाले। वैसा ही स्कीम बना रखा है किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। गवर्नमेंट कह रही है देखो आप चाहो तो सेक्शन 9 के हिसाब से पूरा टैक्स पे कर दो, या आप ये नहीं कर सकते तो आप सेक्शन किस में आ सकते हो, 10 में आ सकते हो, यहाँ कंपोजिशन लेवी लगेगा। मतलब सर मतलब हम आपको बहुत सारे कंप्लाइंस से फ्री कर देंगे। सर कंप्लाइंस, हाँ बच्चों जीएसटी में रिटर्न कितनी सारी फाइल करनी पड़ती है, आपने वो रिटर्न वाला चैप्टर देखा ही था, थोड़ा बहुत तो देखा ही था कि सर हर महीने की अगली तारीख को आपको रिटर्न, तीन तीन रिटर्न फाइल करनी पड़ रही थी, एनुअल रिटर्न अलग से फाइल करनी पड़ती है, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, फिर आईटीसी लेना है, आईटीसी देना है, ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट, इतना सारा कंप्लाइंस है। एक छोटा व्यक्ति ये कंप्लाइंस करेगा या बिजनेस करेगा? क्या सभी बिजनेसमैन के पास अकाउंटेंट होते हैं फिर रिटर्न वाले अलग होते हैं क्या? नहीं सर, ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन वो सारा काम खुद ही करते हैं। अरे मैं ही कंप्लाइंस करूंगा, मैं ही लोगों को काम करके दूंगा, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, देख भाई तू छोटा आदमी है, हम तुझे एक बेनिफिट देते हैं कि तू टैक्स जो है ना वो कंपोजिशन लेवी में पे कर दे। मैंने कहा सर कंपोजिशन लेवी का मतलब? गवर्नमेंट कह रही है देख अगर तू छोटा सा डीलर है तो
तो जो भी तेरी आउटवर्ड सप्लाई होगी, जो भी तेरी आउटवर्ड सप्लाई होगी, उस आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो किस में लग जाएगा बच्चों? कंपोजिशन लेवी में लगेगा। मतलब जो भी आउटवर्ड सप्लाई है आपका, उस पर तुझे कुछ सर्टेन परसेंटेज जो बहुत नॉमिनल है 5% 0.5% टैक्स पे कर दे, और ये तुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा, आप सामने वाले से नहीं लोगे। जैसे मान लो मैं कंपोजिट डीलर हूं, मैंने ऑप्ट कर लिया कंपोजिशन की, मैंने बोला गवर्नमेंट को सर मुझसे तो कंप्लायंस नहीं होते। गवर्नमेंट कह रहे कंप्लायंस नहीं होते तो देख, पहली बात तेरे को ITC नहीं मिलेगा। मैं कहा ठीक है नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो भी तू सप्लाई करेगा उस पर बहुत नॉमिनल सा टैक्स रेट आपको लगेगा। मैं कहा ठीक है सर कितना लगेगा? 0.5%, बहुत नॉमिनल है बच्चों। और ये भी तू सामने वाले से कलेक्ट नहीं करेगा, जो करेगा उसी अपनी जेब से किसको देना पड़ेगा तुझे? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में आपको? कंपोजिशन लेवी, अगर कंपोजिशन लेवी होगी तो कोई कंप्लायंस पूरी नहीं करना, रिटर्न पूरी साल में एक फाइल करनी है। एक तो करी ना, एक तो करना पड़ेगा आपको। क्वार्टरली क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मतलब क्वार्टर में पेमेंट कर दीजिए और एक रिटर्न फाइल कर दीजिए। पांच काम करने हैं, सिर्फ पांच काम, ठीक है? और टैक्स रेट भी क्या होगा? बहुत ही नॉमिनल लगेगा तेरे पर हाँ, तेरी जेब से तुझे टैक्स देना पड़ेगा। आइए बात समझ में, पढ़ते हैं 10-5 मिनट और पढ़ते हैं। कंपोजिशन कल पढ़ेंगे, आचरण कल करें इसको, चलो कल ही करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं अपनी क्लास को। बच्चे कह रहे हैं सर हम थक चुके हैं, अब कल करेंगे इसकी आगे की कहानी। तो जैसा आप फरमाए बच्चों, कल कर लेंगे। बाय बच्चों। चैप्टर नंबर कल DT के अंदर अपना चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा? 7 नंबर चैप्टर पूरा करवा दूंगा मैं। क्वेश्चंस भी कर लेंगे अपन, पूरे मॉड्यूल लेके आना साथ में आपको, और ये वाला चैप्टर। तो कल अपन DT का चैप्टर नंबर 7 तो पूरा होगा, 8 स्टार्ट नहीं हो पाएगा। हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूंगा आपको। 8 वाला है क्या आपके पास? नहीं है, मैं लिखवा दूंगा। और इसमें ये चैप्टर पूरा होगा और नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 नंबर चैप्टर जो एग्जामिनेशन, वो तो पढ़ाई दिया मैंने। चैप्टर नंबर 7 कर लेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 2 भी लेके आना आप, GST का मॉड्यूल नंबर 2 भी लेके आना, 1 भी लेके आना, दोनों मॉड्यूल लेके आना, ठीक है?